राम 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 हरे हरे। आवाज नहीं है बेटे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज श्री परम गुरु महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सर्वपार्षद गुरुपाद जयुक्त हो यहाँ उपस्थित सभी गुरु भ्राता के चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन हो। आप सभी भक्तों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज का जो टॉपिक है वो है मानव शरीर की दुर्लभता। वैसे कल का टॉपिक था हमारा, कल वेणुगीत के ऊपर कथा सुनी हमने, लेकिन देखिए कल हमने जो कथा श्रवण करी वो बहुत ही ऊपर लेवल की कथा थी। क्या थी? ऊपर लेवल की। वो कथा सुनने का अधिकार हमको तब प्राप्त होगा जब हम पहले यह तो समझे कि ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है इसकी क्या महिमा है। वैसे तो प्रायः कहते हैं कि ये जो शरीर है किससे बना हुआ है, बोले शीति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह धम शरीरा। ये पांच तत्वों से मिलके शरीर बना है। पांच तत्व कौन से बताए गए? धरती अग्नि जल वायु आकाश। मृत्यु होने पर सब अपने अपने में मिल जाते हैं, परंतु सारे जितने भी शरीर हैं जगत के जितने भी योनियां हैं सबका शरीर ये पांच तत्वों से मिलकर बनता है। परंतु अंतर क्या है फिर इस शरीर में और बाकी के 84 लाख शरीर में? अंतर यह है, शास्त्रों में श्लोक बताया है कि किस कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि मनुष्य को और जानवरों को डिफ्रेंशिएट करती है। बोला आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद् पशु भी नराणाम धर्मेण हीना धर्मो ही देशाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। बोला एकमात्र एक ऐसी वस्तु है जिस जो इस शरीर के अलावा हम किसी भी शरीर में जिसका पालन नहीं कर सकते, वो क्या है? धर्मेण हीना पशु भी समान। अगर हमने इस शरीर को प्राप्त करके धर्म का आचरण नहीं किया तो हमने क्या किया? पूरा जीवन पशु पक्षियों की तरह ही बिताया। आज ही श्री प्रभुपाद जी का एक कोट है, उसमें बोला गया है कि ये जो मानव शरीर है ये क्यों जो है 84 लाख योनियों से डिफरेंट अलग है। बोला क्योंकि और इस मानव शरीर का एकमात्र कर्तव्य क्या है, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसमें कि देखो ये जो शरीर है ये शरीर एकमात्र भगवान का भजन धर्म का पालन करने के लिए मिला है। अगर कोई व्यक्ति इस जन्म के अंदर भी आहार निद्रा भय और मैथुन इन चार चीजों में लगा रहे तो पशु पक्षियों के ही समान है। कैसे? क्योंकि आप अगर पशु पक्षियों को ध्यान से देखें तो उनके केवल ये चार ही उद्देश्य हैं। कैसे? आहार प्राप्त करें कहीं जाकर, दिन भर देखना कुत्ता बिल्ली पक्षी जितने भी जीव जंतु है सब क्या कर करते रहते हैं, इधर जाके खाना खाने की तलाश में रहते हैं, उधर जाएंगे खाना खाने की तलाश में रहेंगे, जाके भोग करते रहेंगे या फिर सोते रहेंगे। यही तो वस्तु है ना जो चार पशु पक्षी भी करते रहते हैं 24 घंटे। अगर हमने भी इस मनुष्य शरीर को इन्हीं चार चीजों में लगाए रखा तो फिर हम भी तो पशु के समान हुए या नहीं हुए बताओ? हुए कि नहीं हुए? अरे बोलो तो सही। हम भी पशु के समान ही हुए, हम भी इन चार चीजों में ही लगे हुए हैं। तो बताया कि मनुष्य शरीर कितना ज्यादा दुर्लभता से प्राप्त होता है। उदाहरण देते हैं, मान लो आपको एक अंधेरे स्टेडियम में छोड़ा जाए जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेडियम है जहां पर 84 लाख गेट है,
84 लाख गेट है उस स्टेडियम में, 1% भी जो है उजाला नहीं है, बिल्कुल भी आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो भी जब ही देख पाती है जब प्रकाश हो, पर वहां पर प्रकाश बिल्कुल शून्य है। अब आप ये बताइए कि उसमें से केवल एक ही ऐसा गेट है जो कि खुला हुआ है, बाकी जो अन्य गेट है वो सब क्या है, बंद है पूरी तरीके से। अब आप उस गेट को कैसे ढूंढेंगे जहां पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या तरीका है कि हम उस गेट को ढूंढ लें, बताओ बताओ कोई अगर आपको मैं एक स्टेडियम में छोड़ दूं जहां पे सब अंधेरा ही अंधेरा है, 84 लाख गेट है, एक ही एक ऐसा गेट है जिससे उससे बाहर निकला जा सकता है, तो आप किस प्रकार से उस गेट को ढूंढेंगे, कोई बता सकता है? हाँ क्या नहीं, अभी भक्ति भक्ति कुछ मत छप छोड़ दो, साइड में रखो, प्रैक्टिकल अभी फंस गए आप। हाँ गुरु गुरु द्वारा नहीं, भक्ति द्वारा नहीं, केवल प्रैक्टिकल सोचो अभी भी। हाँ ऐसे हाथ लगाते लगाते देखते हुए चलेंगे पूरे स्टेडियम के कोने में, जाएंगे ना सारे सारे के सारे जो गेट हैं, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, सारे सारे चलेंगे कोने पे और सब गेटों को देखेंगे, भैया कौन सा गेट खुला हुआ है कौन सा गेट बंद है, देखेंगे ना। अब क्या हुआ, 84 लाख गेट आपने पूरे पार कर लिए, लास्ट गेट बचा। अब आपने क्या सोचा, उस वक्त आपके थोड़ी सी खुजली चल गई, अब कितना एक बार बताओ कितना समय हमारा व्यर्थ हुआ होगा उस गेट उस गेटों को देखते देखते, कितना समय, 84 लाख गेट किसे कहते हैं। अब क्या हुआ, उस वक्त आपके थोड़ी सी खुजली चलने लगी, क्या चलने लगी, खुजली चलने लगी, और आपने देखा कि यार इतना तो इतना गेट घूम कर आ गया, उनमें से तो कोई निकला नहीं, ये भी नहीं निकलेगा शायद से, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा खुजलाया और वो एक कदम आगे बढ़ गया बस, और वो गेट क्या हुआ, पीछे छूट गया उस वक्त। अब बताओ क्या होगा, क्या होगा, दोबारा से वापस से 84 लाख गेट को घूमते घूमते स्पर्श करते करते ढूंढना पड़ेगा, भैया कौन सा गेट है जिससे मैं बाहर निकलूं। तो ये खुजली क्या है, खुजली है भगवान के भजन के अतिरिक्त जो भी वस्तु है ना इस जगत में, कर्म ज्ञान कुछ भी, वो सब इस खुजली के समान है, जो हमारा समय क्या कर देती है, व्यर्थ कर देती है। ये जो मनुष्य जीवन है वो किस लिए मिला है, श्रीमद् भागवतम में ये बात बोली है, सवय पुंसा परो धर्मा यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययम आत्मा सुप्रसिद्धयति। बोला धर्म क्या है, मनुष्य को केवल धर्म ही पशु से भिन्न करता है, और ये जीवन जो मनुष्य जीवन है वो क्यों मिला है, एकमात्र यतोर भक्ति अधोक्षजे, बोला उन भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए ही यह शरीर हमारे को मिला है। अगर हम केवल ये चार चीजें करते करते, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीजें करते करते अगर इस मनुष्य जीवन को भी बर्बाद कर देंगे तो फिर क्या होना पड़ेगा, वापस से 84 लाख योनियों में। आपने देखा बाहर कितने सारे कुत्ते घूमते रहते हैं, बिल्लियां घूमती रहती है, उनकी कैसी दुर्गति है। अभी आप इस मठ में बैठे हो, आपके नीचे छत है, पंखे चल रहे हैं, गर्मी नहीं लग रही, लेकिन बाहर जो कुत्ते हैं बेचारे उनके लिए तो कोई छत नहीं है, बारिश आ रही है तब भी वहीं रहना है, गर्मी हो रही तेज तब भी वहीं रहना है, ठंड हो रही है तब भी वहीं रहना है। वृंदावन में कभी गए हो आप, वृंदावन में ठंड में क्या होता है देखना, और सारे बंदर जो है ना टिटूर के एक साथ अपने एक दूसरे को स्पर्श करके बैठे रहते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। क्या उनके पास कोई घर है, क्या उनके पास कोई हीटर है जिससे वो गर्मी प्राप्त कर सके, नहीं है ना। केवल मात्र ये मनुष्य शरीर है जिसके अंदर देखो इतनी सारी फैसिलिटी हमारे को मिली हुई है, इतनी सारी फैसिलिटी, लेकिन फिर भी हम इन सब चीजों का स्मरण करके भगवान का भजन नहीं करते और अन्य अन्य वस्तु में हमारा समय क्या करते रहते हैं, व्यर्थ करते रहते हैं। गुरु जी बोलते हैं कि अरे भैया हरिनाम करो, ये हरिनाम क्या है, समस्त वेदों का सार है, समस्त वेदों का सार है, एकमात्र ये हरिनाम करने से ही तुम तर जाओगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अभी तो हमारे पास बहुत समय पड़ा है, सुबह कथा में गुरु जी बता रहे थे कि जो व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे को तो संसार के अंदर बहुत सारी चीजें करनी है, अर्थ कमाना, ये करना है, उसके लिए क्या कर, वो क्या उसकी बुद्धि क्या रहेगी कि भैया मेरी मृत्यु कभी नहीं होने वाली, जिसकी बुद्धि ये रहेगी ना कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होने वाली, मैं तो अजर अमर हूं,
वही इस प्रकार की चीजों में लगा रहेगा, आहार निद्रा भय मैथुन। जो ये सोचेगा कि काल ने मेरी चोटी को पकड़ रखा है और कभी भी किसी भी वक्त वो मेरा क्या कर सकता है, मुझे ग्रहण कर सकता है, मुझे ग्रास कर सकता है। अगर अभी हम यहां पर बैठे हैं, हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, हम घर जाएंगे या नहीं क्या ये पता है हमारे को? राम जी से लक्ष्मण जी ने ये बात बोली, बोला निश्वासो नहीं विश्वासो कदा रुद्रो भविष्यति। बोला इस एक सांस का जो बाहर गई है वो वापिस भी आए या ना आए इसका कोई पता नहीं है, और आप कल की बात करते हैं। तो इसीलिए यहां पे बताया कि मानव शरीर इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि हम सोच भी नहीं सकते। और एक और उदाहरण देखो, मान लो समुद्र है, उसके अंदर एक कछुआ है। अब आपको बोला जाए कि वो कछुआ 100 साल में एक बार निकलेगा, बस कितनी बार, 100 वर्ष में केवल एक बार वो कछुआ निकलेगा, और आपके हाथ में एक रिंग पकड़ा दी जाए। हम खेलते हैं ना गेम, जिस भी वस्तु पे हमने रिंग डाला वो हमारी हो गई, खेला ना वो अलग गेम, खेला नहीं खेला। उसी प्रकार से आपको एक रिंग दे दी जाए और आपको समुद्र के बीच में बोट पे बिठा दिया जाए। बोला भैया देखो, हमको ये नहीं पता कि कछुआ कहां से निकलेगा और वो 100 वर्ष में एक बार ही निकलेगा, आपको ये रिंग उसके गले में डालनी है, क्या चांसेस होंगे डालने के? बताओ कितने प्रतिशत चांसेस होंगे? 10 to 0, लगभग 0, कोई नहीं डाल सकता। डाल सकते हैं, पता ही नहीं है कहां से निकलेगा और 100 साल के बाद एक बार निकलेगा, हम रिंग डाल देंगे उसके गले में? बोला नहीं, उसी प्रकार से ये जो मनुष्य शरीर है ना, इतना ही दुर्लभ है। कितने जन्म बिताकर आज हमारे को ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। अब इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद भी आप ये लोग देखो कि कितने ही लोग बाहर घूम रहे हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके किसी के हाथ पैर नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई बहरा है, कोई सुन नहीं सकता, है ना, इस प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। क्या हम में से किसी को इस प्रकार की बीमारी दी है भगवान? किसी को नहीं दी ना, पूरे सक्षम है, लेकिन फिर भी हम भगवान का भजन छोड़कर इधर उधर की चीजों में ही हमेशा लगे रहते हैं। एक बार माधवपीर प्रभु जी ऊपर एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, पिनेकल ऑफ डिवोशन नाम से वो ग्रंथ है, बस ये लास्ट बात बोलती है अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। उसमें मैंने ऐसे ही देखा, बड़ी मेरे को अट्रैक्टिव लग रही थी वो ग्रंथ, तो मैंने ऐसे ही देखा था कि प्रभु जी क्या पढ़ रहे थे, तो मैंने जैसे ही वो पेज उठा खोला, उसका एक पेज खोला, उसमें गुरुदेव पता क्या बोल रहे हैं, गुरुदेव वो ग्रंथ एक्चुअली जो दशम स्कंद भागवतम का गोपियों के विषय में, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें गई है शुद्ध प्रेम कृष्ण प्रेम के बारे में। तो उसमें गुरुदेव का एक स्टेटमेंट मैंने सीधा पढ़ा उस ग्रंथ को पढ़ते ही, कि मैं तुम्हें क्या वस्तु देने के लिए आया हूं और तुम अभी तक अपने अनर्थों से ही ग्रस्त हो, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहां से ऊपर उठो ताकि मैं जो वस्तु वास्तविकता में तुम्हें देने आया हूं वो तुम्हें दे सकूं, कृष्ण प्रेम। एकमात्र गुरुदेव क्या देने आए हैं? कृष्ण प्रेम। जो हम कल कथाएं श्रवण कर रहे थे वो ही हमारा प्रयोजन है जीवन का, लेकिन उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए पहले हमारे को ये तो जानना पड़ेगा ना कि हम वास्तविकता में हमारे परिचय क्या है, हमारा मनुष्य जीवन प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, यह सब जानना पड़ेगा, और यह सब जान के भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब जाके ही हमारा जीवन सार्थक होगा। यही बोल के अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कुछ बता पाऊ, मेरी इतनी कोई सुकृति भी नहीं है, ये तो सिर्फ गुरुदेव की अहेतु की कृपा है कि मैं आज उनके सामने पहली बार खड़ी हो पा रही हूँ आप सबके सामने, और हरि कथा बोलने का मैं प्रयास कर रही हूँ। तो जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अपनी टूटी फूटी तोतली भाषा में अपनी माँ को वो ना अपनी बात समझाने का प्रयास करता है और माँ बड़ी प्रसन्न होती है, ठीक उसी प्रकार एकमात्र गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए मैं भी अपनी टूटी फूटी तोतली भाषा में आप सबको हरि कथा बताने का प्रयास करूंगी। त्रुटियां अवश्य ही होगी, कृपा करके आप मुझे क्षमा कीजिएगा। तो जिस प्रकार जो कलयुगी जीव है, अगर वो कभी हरि कथा श्रवण करता है तो हरि कथा श्रवण करने के मात्र से ही वो बड़ा पछतावा करता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन
ये तो पशु भी करते हैं, लेकिन मैंने इसके अलग कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा धर्म क्या है? एकमात्र कृष्ण की प्रेममयी भक्ति, प्रेममयी सेवा। तो जब उसको हरि कथा श्रवण करने से ये समझ में आ जाता है कि एकमात्र हरि नाम करने से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अगर इस चीज का लोभ हो जाए तो उसका हरि कथा श्रवण करना सार्थक हो गया। अब ये जो इस कलयुग में, इस कलयुग को महाप्रभु ने धन्य कलयुग बताया है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में स्वयं महाप्रभु ने कहा है कि ये जो कलयुग है ना, इस पे, इस कलयुग के भक्तों पे जितनी कृपा करी उतनी कृपा अन्य किसी युग पे किसी भक्तों पे नहीं की। तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद के 3 अध्याय के 52 श्लोक में आता है। तृतीयाध्यायतो विष्णुं त्रेतायं यजतोमखे द्वापरे परिचर्यां कलोतत् हरि कीर्तनात्। यानी सतयुग में जो यज्ञ करने से, सॉरी सतयुग में तप करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में पूजन अर्चन करने से जो हमें भगवत प्राप्ति, जो फल प्राप्त होता था, वही फल एकमात्र हमें सिर्फ और केवल हरिनाम करने से ही प्राप्त हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि कलयुग में जो ब्राह्मण हुआ करते थे ना, उनकी आयु जो थी वो 1-1 लाख वर्ष की होती थी। तो उनकी उनमें बड़ा संयम था, बहुत शक्ति थी। 60,000 साल तक वो तपस्या करते थे। एक मुनि थे तो उन्होंने 28,000 साल तक उन्होंने तपस्या की, तो उनमें सामर्थ्य था। लेकिन हम जैसे कलयुग जीवों की आयु तो बहुत अल्प है ना, हम में इतनी शक्ति ना हम में इतना सामर्थ्य है, तो हमें भगवत पाते। और उस टाइम के जो ब्राह्मण लोग थे वो भगवत प्राप्ति कर लिया करते थे। अब आता है त्रेता युग। त्रेता युग में जो यज्ञ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे ना, वो बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण होते थे। शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करना चाहते थे। यज्ञ के लिए जो सामग्री मिलती थी वो भी बहुत शुद्ध हुआ करती थी। और वो मंत्रों का उच्चारण करने मात्र से ही देवता वहां पे प्रकट हो जाया करते थे। पहले के जो ब्राह्मण थे ना, वो श्रुतिधर हुआ करते थे। एक बार सुनने के मात्र से ही वो उनको सब स्मरण हो जाता था। लेकिन अब कलयुगी जीव में इतना कोई स्मरण शक्ति है नहीं ना, वो इतना एकादशी का व्रत करना भी एक कलयुगी जीव के लिए इतना मुश्किल होता है कि वो क्या तो वो यज्ञ करेगा क्या तो वो तप करेगा। तो कलयुगी जीव इस तरह से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आता है द्वापर युग। द्वापर युग में पूजन अर्चन करने से जो द्वापर युग के लोग थे वो क्या करते थे, पूरी निष्ठा के साथ पूरा जो भी उनके धन होता था वो केवल और केवल भगवान की सेवा में, उनके शिव विग्रह को स्थापना करने में, मंदिरों को बनाने में उनमें वो खर्च किया करते थे। लेकिन हम जैसे कलयुगी जीव जो है ना, वो सिर्फ क्या करते हैं, धन तो बहुत है उनके पास, लेकिन अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, अपना भोग विलास में या फिर लग्जरियस लाइफ को जीने में इनमें वो खर्च करते हैं। और एक निष्ठता है नहीं, क्योंकि मन स्थिर नहीं है और ढंग से कुछ हमारे जो गुरुजन जो भी बताते एक बार सुन लिया फिर बाद में भूल जाते हैं, तो स्मरण शक्ति भी इतनी नहीं है। तो ये कलयुगी जीव के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति कर सके। तो भगवान क्या कहते हैं कि ना तो तुम तप करने लायक, ना तो तुम यज्ञ करने लायक, ना तो तुम पूजन अर्चन करने के लायक, तो तुमसे क्या होगा। तो इसलिए कलयुग को धन्य कलयुग बताया गया है। इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का जो साधन है ना, वो बहुत बहुत ही सरल कर दिया। अब सारे जो जितने भी वेद है, वेदों का जो सार है उसको श्रीमद् भागवतम बताया गया है, और श्रीमद् भागवतम का भी जो सार है वो श्रीमद् भागवतम का जो अंतिम श्लोक है ना, क्लियरली ये कह दिया है कि हमें कुछ और करे ना करे, केवल किसी भी तरीके से हमारी जिह्वा पे हरिनाम स्फुरित हो जाए, हर समय हर पल हम हरिनाम करते रहे, तो इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। माना कि कलयुग जो है वो बहुत दोषों से लिप्त है, इसमें बहुत बहुत सारे दोष है, लेकिन इतने दोष होने के बावजूद भी इसका महान गुण है। इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद के 3 अध्याय के 91 श्लोक में आता है। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति हेतु महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रचे। कि सुखदेव गोस्वामी क्या परीक्षित महाराज जी को समझा रहे हैं,
उन्हीं के माध्यम से हम सभी कलियुग के जीव को क्या समझा रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, ये जो कलियुग है ना, ये दोषों से भरा हुआ है, इसमें बहुत दोष है, ये पापों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका एक महान महान गुण है। वो क्या है? केवल एकमात्र हरिनाम करने से ही बद्ध जीव जो है ना, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक गाय का जो खुर होता है ना, अगर उसको हम किसी गड्ढे में या किसी मिट्टी में उस खुर को हम अगर रखें और उस बच्चे जो गाय के जो बच्चे का जो खुर है उसको हटा लें और जो खड्डा बनेगा उसमें हम पानी भर दें, फिर हम ये बोले कि आप इसको पार कर जाओ, तो कोई भी पार कर सकता है, छोटा बच्चा भी, क्योंकि वो तो इतना सही होता है, कोई भी उसको लांग के पार कर सकता है। तो केवल और केवल हरिनाम करने से हमारे लिए इतना सुलभ हो जाएगा, जो इतना बड़ा भव सागर है वो हमारे लिए गाय के खुर की समान बहुत छोटा बन जाएगा और हम आसानी से इस भव सागर को पार करके भगवतां को प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पे बोलते मैं अपनी वाणी को विश्राम रखती हूँ। वंशा कल्पतरु भेषु कृपा सिंधु बेलचे पति तना पामिले वैष्णो देवी नमो नमः। हरे कृष्णा। पहला बार बोली बिना हिचकिचा एकदम बढ़िया से बोली, तो लोग कुछ सीखनी चाहिए इनसे, ठीक है ना? क्या सीखनी चाहिए? कथा बोलने का, दुनिया की बात हमें बताना, ठीक है ना? दिन भर बोलते रहेंगे, 20 साल का बात हमें याद रहेगी, लेकिन जब भगवान की कथा के बारे में बताओ हमारे मुंह नहीं खुलती है, ठीक है ना? इसलिए महाप्रभु कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा है गुरु हरिया तार, जिसको देखो उसको केवल भगवान के बारे में बताओ, केवल ठाकुर जी के बारे में बताओ, दुनियादार की कोई बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? अरे हाँ जी ना बोलो। हाँ, जब हम अगली बार आऊंगा देखूंगा कम से कम एक एक व्यक्ति, कम से तीन तीन चार चार व्यक्ति को भक्त बनाएगा, कौन बनाएगा? हाथ उठा दे, बढ़िया हो। अगर ऐसे करोगे ना एक साल में पूरा जयपुर जयपुर हो जाएगी, एक साल में जयपुर क्या हो जाएगी? जय हो जाएगी, पूरा गोविंद देव मदन मोहन का सबके सब भक्त बन जाएंगे और देखेंगे सबके सब पिलर गले में कंठी और सबके सब माला पहने हुए, ठीक है ना? इसलिए देखो हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ध्यान देकर सुनो, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वर्णा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा ये पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम हैं सर्वत्र प्रचार है वे मेरा नाम, सर्वत्र मेरे नाम प्रचार होगा। किसकी इच्छा है? अरे बोलो किसकी इच्छा है? ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है और उसी महाप्रभु का द्वारा प्रेरित होकर के श्रील प्रभुपाद आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद आए। इनको किसी ने कहा प्रभुपाद हम चाहते हैं हर शहर शहर में कि गौड़ी मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते तुम शहर शहर की बात क्यों कह रहे हो, हम तो चाहता हूँ हर घर हर गांव में एक एक गौड़ी मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते हर गांव गांव नहीं, प्रभुपाद कहते हर घर घर एक गौड़ी मठ हो जाए, हर घर घर एक गौड़ी मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते हर घर घर नहीं, मैं चाहता हूँ हर एक इंसान गौड़ी मठ बन जाए। देखो ये जो तिलक लगाए ना, ये तिलक क्या है? यही गौड़ीय मठ है। ये जो तिलक देख रहे हैं ना, ये क्या जानते हो? मंदिर है, ये हरि मंदिर है। मतलब जो व्यक्ति ये तिलक धारण करते हैं, गले में तुलसी कंठी और हरिनाम करते हैं, कहते उनको जो दर्शन करते हैं, गले में कंठी माला तिलक लगाए हुए, उनको जो दर्शन करते हैं, कहते उनको दर्शन मात्र से ही कहते गोविंद देव दर्शन करने का फल मिलता है। गोविंद देव को इतना महिमा जो तिलक लगाए केवल, ठीक है ना? इसलिए सबके सब क्या करो, अरे बोलो, हाँ सबके सब तिलक लगाओ, गले में कंठी और माला जप करो और तुम ही एक एक भगवान का मंदिर है, एक एक मदन मोहन का मंदिर, तुम ही ये मदन मोहन का मंदिर, ठीक है ना? इसलिए सबके सब देखो प्रैक्टिस कैसे होगा, अब जिसको देखो उसको बोलो तभी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगा, नहीं तो जब हम खड़े करते हैं ना मुंह से बोली नहीं निकलता है, हैं? क्यों? हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, हम बोलते नहीं किसको भगवान के बारे में, जिसको देखते हैं इधर उधर की बात बोलते हैं, इसलिए हमारे मुंह से भगवान के नाम नहीं निकलता। अगर जिसको देखोगे अगर उसको ही बोलोगे प्रभु का नाम पर, बस अभ्यास हो जाएगा, फिर खड़े होकर कहीं भी भगवान के बारे में बता सकते हो, ठीक है ना?
जब मैं अगली बार आऊंगा मैं क्या देखूंगा, हर एक एक व्यक्ति, कम से कम दो दो तीन तीन व्यक्तियों को हरी कथा बोल करके उनको भक्त बनाना। और ये जो हमारी जो ब्रज गोपियां भागवत में कहती हैं, जगत में सबसे बड़ा दान किया है, जगत में सबसे बड़ा दान किया है, इसलिए गोपियां कहती हैं जो भगवान की कथा दान करते हैं, भगवान की कथा जो दान करते हैं जगत में सबसे बड़ा दानी वही है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, देखो ध्यान देकर सुनो, प्रभुपाद कहते हैं ये माया में जो भटकते हुए जीव अगर किसी तरह से इनको समझा बुझा करके, केवल एक व्यक्ति को तुम भगवान की भजन में ले आओ, एक व्यक्ति को किसी तरह से भजन में ले आओ। देखो प्रभुपाद के क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज खोल दे, करोड़ों करोड़ों अन्न छत्र खोल दे, उसको जो पुण्य मिलेगी अगर केवल एक व्यक्ति को अगर प्रभु का भजन में लगा दिया तो उससे करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी, करोड़ गुण ज्यादा पुण्य। कौन कह रहे हैं ये बात को, प्रभुपाद स्वयं कह रहे हैं, स्वयं प्रभुपाद कह रहे हैं। बोले क्यों, एक छोटी स्टोरी सुन लो, छोटी छोटी स्टोरी को याद कर लेना ठीक है ना। देखो एक समय, कल एक समय एक पिता एक बच्चे को लेकर के मेला देखने के लिए गया। इधर मेला लगती है यहाँ पर जयपुर में, लगती है हाँ, तीज को लगती है हाँ, इसलिए वो मेला देखने के लिए गया। मेला देखने के लिए गया, अभी बच्चा बड़ा खुश होकर पिताजी का अंगुल पकड़ा हुआ है, अंगुल पकड़ा हुआ और बड़ा आनंद से मेला देख रहा है, बड़ा खुश होकर मेला देख रहे हैं। देखते देखते इसको याद करो ठीक से, अच्छे तरह से कथा को याद कर लेना और दिमाग में बैठाओ। अभी अभी मेला मेला देख रहा था, मेला देखते देखते आवेश में आकर के पिताजी के हाथ से बच्चा का हाथ अलग हो गया, अलग हो गया। देखा पिता अलग और बच्चा अलग, दोनों अलग है। अभी बच्चा जिस मेला में इतना आनंद ले रहा था, कब तक आनंद ले रहा था, जब तक वो पिताजी का अंगुल पकड़ के रखा था, वही मेला वही सब कुछ, लेकिन वो मेला का बीच में भी अभी ये बच्चा रो रहा है, बच्चा भी रो रहे हैं, मेरे पापा जी का, मेरे पापा जी का। सब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, इसके पिताजी कहीं खो गया, उसको कोई टफी दे रहा है, थोड़ी समय के लिए तो चुप हो गया देख करके, लेकिन फिर रोने लग गया, मेरे पापा जी का, किसी ने एक खिलौना दे दिया, थोड़ी समय के लिए तो चुप हो गया, फिर मेरे पापा जी पापा जी। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा भैया इसको जो कुछ देने पर भी जब तक उसको पिताजी को साथ में नहीं मिला दोगे ना, ये बच्चे का रोना बंद नहीं होगा, सो पिताजी को ढूंढो। अभी पिताजी को ढूंढे, ढूंढते ढूंढते थोड़ी दूर गए तो देखा सचमुच से एक व्यक्ति पागल होकर भी सबसे पूछ रहा है, भैया मेरा बेटा कहाँ खो गया, मेरे बेटा कहाँ खो गया, पागल होकर के बोला हाँ हमने देखा वहां पर एक छोटा बच्चा रो रहा है। बोले कहाँ पर, बोले आओ मेरे साथ में। तो उनको लेकर के बोले ये तुम्हारी पिता बच्चा है, बोले हाँ ये मेरी बच्चा है, बोले ये तेरे पिताजी, बोले ये पिताजी। बाद जब पिताजी का हाथ पकड़ा दिया ना बच्चा खुश, अब इसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं। हाँ तो उसी तरह देखो ये चीज को समझो, कोई भी कहते ना अरे भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, हैं भक्ति करने से क्या होता है, हरी कथा बोलने से क्या होता है, ये चीज को समझो। देखो वो बच्चे को कोई खिलौना दे रहा था, ये भी उसको पर दया, दया है ना। उसको कोई टप्पी दे रहा था, ये भी उसको पर दया है, हैं कोई मिठाई दे रहा था वो भी उसको पर दया। आप बताओ उसको पर में सबसे बड़ी दया किसी ने किया है, वही है ना जो उसको पिताजी का ढूंढ करके बच्चे को हाथ में पकड़ा दिया। उसी तरह अगर आपको कोई कपड़ा दे दिया बोले बढ़िया है, लेकिन कितना दिन पहनोगे, पहनोगे उस दिन बाद में फट जाएगी, हैं? कोई खाना दे दिया फिर 3 घंटा बाद में फिर दोबारा भूख लगने लग जाएगी, कोई बीमारी कोई दवा दे दिया फिर दो बार फिर बीमारी आएगी, फिर दो बार बीमारी आएगी। ये जगत में जितना चीज आप किसको दे दो ना, देना कभी मन भरने वाले नहीं, उसको बाद में और चीज चाहिए और चीज चाहिए और चीज चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ये व्यक्ति को भगवान की बारे में समझा करके उनको मदन मोहन के पास में पहुंचा दिया, भगवान कृष्ण को पास में पहुंचा दिया ना, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं, उसका पिता ही सब कुछ देगा। इतना तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा, फिर पिताजी को पास में सब कुछ उसको वही मिलेगा।
अगर जीव कृष्ण को अगर प्राप्त कर लिया ना, इसने अगर तुमको भगवान को बाहर में समझा दिया, भगवान की भक्ति में लगा दिया, फिर कहाँ जाओगे? कृष्ण कहते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। हे अर्जुन, जहां आने पर दोबारा फिर वहां से इस मर्त्य जगत में आना नहीं पड़ेगा। तत् प्रसादात पराम शांति, उनकी कृपा से तुमको परम शांति की प्राप्ति होगी। हैं, इसलिए देखो, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को बारे में समझा करके अब भगवान को भजन में लगाता है ना, समझना पृथ्वी में सबसे बड़े दया उसने ही तुम्हारी ऊपर किया, उसने ही तुम्हारे ऊपर किया। ठीक है, रहा कि ना? हाँ, अगली बार जब आऊंगा मेरे को दिखाना। बोले गुरुदेव देखो, हमारे हमारे मंदिर में एक महाराज थे, एक पहले महाराज, पहले तो ब्रह्मचारी थे। ये दुकान दुकान में ध्यान देकर, दुकान दुकान में कुछ भिक्षा के लिए जाते थे, लेकिन जब भिक्षा के लिए जाते थे जब देखते थे कुछ छोटे छोटे बच्चे है ना, यंग बच्चे, उनको हरि कथा सुनाते थे, उनको भगवान के बारे में समझाया करते थे। और समझा बुझा करके बहुत सारे बच्चों को उन्होंने प्रभु का भजन में लाए, ठाकुर जी के भजन में लाए। हमारे मंदिर में प्राय करके जितने ब्रह्मचारी है उनको अगर कोई लाया है ना, कौन लाया है? कोई महाराज जी लाए, लेकिन उनको इतना लिखा पढ़ा नहीं था, इतने पढ़ाई लिखाई वो नहीं थे। लेकिन एक गुरुदेव ने क्या किया, उनको सन्यास दिया। जब गुरुदेव उनको सन्यास दिया, जब गुरुदेव सन्यास दिया, कुछ भक्तों लोगों ने बोले, बोले गुरुदेव तो इतने लिखे पढ़े नहीं है, अब इनको इतने सन्यास है क्यों? सन्यास मतलब प्रचार करना। देखो हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, ध्यान देकर सुनो। तो देखो, इसने जो काम किया है, जैसे कोई ठाकुर का चरण में कोई फूल ला करके चढ़ा दे, कितने समय के बाद में फिर मुरझा जाएगी ना, 2-3-4-5 घंटा, एक दिन में तो फूल गया, मुरझा गया। लेकिन गुरुदेव बोले इसने जो फूलों को लाया है, किसको लाया? इंसान, बच्चों को लाया, और ठाकुर जी की चरण में उन्होंने प्रभु की भजन में लगाया। गुरुदेव कहते इसने जो फूल लाया है वो मुरझाने वाले फूल नहीं, वो दिन प्रतिदिन खिलने वाले फूल है। दिन प्रतिदिन खिलने वाले फूल मतलब क्या है? जब आप प्रभु की भजन करना शुरू कर देगे, भक्ति करोगे, तुम्हारे जीवन में क्या होगा? दिन प्रतिदिन वो फूल खिलते जा रहे हैं, खिलते जा रहे हैं। एक दिन ऐसे खिलेगा, एक दिन ऐसे खिलेगा ना, इसकी सौरभ, इसकी सुंदरता में, इसका खुशबू में, जब भगवत का भगवान की कथा प्रचार करेगा, वो अनंत जीवों को ला करके फिर ठाकुर के चरण में लगा देगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये जीवंत पुष्प को ला करके हमारे चरण में दिया है, इसलिए आज मैंने इसको सन्यासी दे रहा हूं। हाँ कि ना बोलू? अरे हाँ कि ना बोलू? हाँ, इसलिए अगर हम जिनको समझा बुझा करके भगवान की भजन में लाते हैं ना, समझो कृष्ण सबसे बड़ा खुश उसको ऊपर होता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मैं सबसे ज्यादा किसको ऊपर प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जगत में जितने जीव है सबके सब मेरे बच्चे हैं। अरे हमारे पिता कौन है? मदन मोहन जी, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक हमारी पिता है। हम साधारण घर के बच्चे नहीं, कहते हम अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं। लेकिन उनको भूलने का नाते संसार में भटक रहे, दलदल भटक रहे। अगर किसी का बच्चा, एक बच्चा हो है, अगर किसी बच्चा खो गया, इसलिए एक कथा सुना और एक कथा सुन लो, ये छोटी छोटी कथा भी याद करना। बोले एक समय कोई एक राजा था, उसको घर में एक बेटा था, किसी कारण से पिताजी बच्चा कोई गलती किया, इतने में पिताजी ने उसको डांट लगा दी। जब डांट लगा दी, अभी उसको तो बड़ा अभिमान, राजा का बेटा है ना, बोले पिताजी मेरे को डांट लगाए, वो अभिमान करके उसने घर छोड़कर चला गया। जब घर में रहता था राजा का बेटा, रोज छापन भोग छत्री से व्यंजन बढ़िया बढ़िया भोजन करता है, लेकिन जब उसने घर छोड़कर चला गया, कौन खिलाएगा उसको? कोई नहीं पूछते हैं। अभी ऐसे करते 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 उसने बड़े अपना घर से बड़े दूर तक चला गया। चला गया तो अभी ये क्या करता है, किसी चाय की दुकान में काम करता है। चाय की दुकान में क्या करता है? प्लेट साफ करता है, जो खाना भोजन करते हैं वो टेबल को पोछा लगाता है, घर को सफाई करता है, यही काम कर रहा है। अरे यही काम करके किसी तरह से अपना पेट को पाल रहा है। अभी तो राजा बड़ा दुखी है, राजा बड़ा दुखी, मेरा बेटा कहाँ चला गया,
अभी दिन भर खोए खोए रहता है। क्यों बेटा? एक ही है जब भविष्य में राज सिंहासन को जो संभालने वाले, इसलिए अभी सोच रहे हैं कि राज सिंहासन को कौन संभालेगा। लेकिन उसको जो मंत्री था, एक दिन मंत्री ने देखा कि राजा अंदर अंदर में ना खोए खोए रहते हैं, ये बड़े दुखी है, कोई गहरा दुख है। जब देखो बेमन होकर बैठे हुए हैं, बेमन होकर बैठे हुए किसकी चिंता कर रहे हैं? किसकी चिंता कर रहा है? अपना बेटे की चिंता कर रहा है बेमन। एक दिन मंत्री ने पूछा, बोले महाराज लगता है आप बड़े दुखी हो, अंदर से दुखी हो। बोले हाँ मंत्री तुम सही कह रहे हो। बोले क्या कारण है? तो उनने सारी बात बताया, एक ही बेटा था, किसने गलती किया तो मेरे डांट लगाया, तो अभिमान करके घर छोड़कर चला गया। पता नहीं वो क्या करता होगा, कहाँ रहता होगा, क्या खाता होगा, अभी भविष्य में सिंहासन पर संभालेगा। बोले अगर आप आदेश दोगे आपको बच्चे को मैं ढूंढने के लिए जाऊं, बोले बहुत बड़ी कृपा होगा। अभी मंत्री ढूंढने के लिए निकला, अभी निकलते ढूंढते जब बड़े दूर में गया, देखा एक चाय की दुकान में बर्तन साफ कर रहा है। किसका बेटा? क्या काम क्या कर रहा है? चाय की दुकान में बर्तन धो रहा है और फ्लोर को साफ सुथरा करता है। इतने में मंत्री ने क्या किया, डायरेक्ट जाकर बोला नहीं, उसने उसी चाय की दुकान में मंत्री भी काम करना शुरू कर दिया और उसको साथ में एकदम दोस्ती बना दिया। जब पूरा दोस्ती बन गया उसका, समझ गया पूरा दोस्ती बन गया। एक दिन वो मंत्री पूछ रहा है, बोले बेटा तू तो देखने से लगता ही नहीं कोई चाय दुकान में काम करने वाला, क्यों? राजा का बेटा ना, लंबे चौड़े गोरे रंग के, बड़े सुंदर देखने में। बोले क्या बात है, क्यों तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? जब इतना बोला ना, जो राजा का बेटा तो रोना शुरू कर, राजा का बेटा रोना शुरू कर दिया और सारे बात बताए। एक दिन मैंने गलती की तो मेरे पिताजी मेरे को डांट लगाए और मैंने अभिमान करके घर छोड़ दिया और इसी दुकान में काम करके पेट पालता हूँ। इतने में जब बोला, इतने में मंत्री ने कहा, अपना घर में जाओगे? अपना घर में जाओगे? वो बच्चा कहता है, क्या पिताजी मेरे को दोबारा रखेंगे? फिर मंत्री ने अपना परिचय दिया, बोले वही तुम्हारी राजा की पिताजी की मैं मंत्री, तू जितने दुखी है ना, तेरे से ज्यादा दुखी कौन है? पिताजी। तुम जितने दुखी हो उससे ज्यादा दुखी, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में कहते हैं, जब कोई जीव भगवान से भूल करके ये माया में चला जाता है, भगवान भी रो रो कर तो उसको पीछे पीछे चलते हैं। बोले बेटा एक बार मोड़ करके मेरे तरफ में देख तो ले, एक बार मोड़ करके मेरे तरफ में देख तो ले बेटा, कृष्ण भी रो रो कर हमारे पीछे आ रहे हैं, क्यों? हम भगवान के बेटा और संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। हाँ बताओ, अगर बच्चा अगर दुखी हो, पिता माता बच्चे को दुख देकर सहन कर सकते हैं? अरे कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। अब देखना, बच्चों का दुख में दुखी, उनका सुख में सुखी पिता माता रहते हैं। हर पिता माता चाहते हैं मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, इसलिए मदन मोहन भी चाहते हैं हमारा मेरे बच्चे सुखी रहे। बोले मैं ही उसी राजा के मंत्री हूँ, राजा तुमको लेने के लिए मेरे को भेजा है, इसलिए मैंने जान बुझ करके ये चाय की दुकान में काम करना शुरू कर दिया, इसलिए तुम चलो, तेरे पिताजी तेरे से भी ज्यादा दुखी तेरे पिताजी। जब उन्होंने बच्चे को ले आए ना, हर बार राजा के बेटा, राज सिंहासन जिसका और घर में छापन भोग छत्री से व्यंजन, राजा की हाल चकाचक, पहले कहां दर दर भटक रहा था, ठीक है ना? इसलिए देखो हमें ये मंत्री कौन है, राजा कौन है? राजा हमारे गोविंद देव है। वो मंत्री कौन है? गुरुदेव। वैष्णव लोग ही यही गुरु है। वो क्या करते हैं, हमें आकर के समझाते हैं, भैया तुम कोई साधारण घर का बच्चा नहीं, तुम गोविंद भगवान के बच्चे हो, उनको भूलने का वजह से ही संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे, चलो भगवान के पास में चलो, ठाकुर जी की चरण में चलो बस। अरे समझ गए कि नहीं? अगर आप किसी व्यक्ति को अगर हरी कथा समझा करके ले आओगे ना, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम मैं उसे करता हूँ, ये जो जगत में जितने जीव जो भटकते हुए जीव, इनको अगर कोई भूले भटकते हुए जीव को
अगर कोई मेरे पास में ले जाए तो मैं जगत में सबसे ज्यादा उसको प्रेम करता हूँ, सबसे ज्यादा उसको प्रेम करता हूँ। ठीक है, अगली बार कितने लोगों को लेकर के आओगे? अरे बोलो, हाँ अभी से शुरू कर देना, अभी से जिसको देखो भगवान की, अभी वो अभी बच्ची को देखना किस कितना सुंदर कथा सुना रही थी, देखना अच्छी कथा सुना रही थी ना। हाँ आप भी चाहते हो कथा सुनाने के लिए? अगर आप भी ऐसे कथा सुनाना चाहते हो क्या करो, हमारे जो संजय प्रभु का जो ग्रुप है ना, वो संजय प्रभु का जो ग्रुप है उसमें जुड़ जाओ। वो रात को 9:15 बजे से लेकर के आधा घंटा ये कथा करते हैं, आधा घंटा कथा करते, आधा घंटा ना, हाँ आधा घंटा ये कथा करते हैं। आप अगर उसमें जुड़ जाओगे ना, आप वो जो श्लोक सुना रही थी, कितने सुंदर श्लोक सुना रही थी, क्यों? वो जूम में जुड़ी हुई है, वो जूम में जुड़ी हुई है, इसलिए इतने सुंदर ये कथा सुना रही थी, इतने सुंदर हरी कथा बोल रही थी। अगर आप यही से चाहते हो, लास्ट में उनका फोन नंबर हम दे देंगे, आप लोग तो आगे आ जाओगे, आगे 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 आ जाओ, धीरे धीरे आगे आ जाओ सबके सब, आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ तो तुम लोग भी करते आगे, माताएं आगे आ जाओ। देखो अगली बार जब आएंगे ना, अरे इधर सुनो, अगली बार आएंगे तो जैसे ये मंदिर डबल हो जानी चाहिए, कितना हो जानी चाहिए, हाँ ये डबल हो जानी चाहिए मंदिर, जैसे ये भी हमारी मंदिर बन जाए, पास वाले मंदिर बन जाए, अरे बड़े सुंदर मंदिर, तो जितने भक्त लोग आए हैं, जितने भक्त लोग आए बढ़िया से बैठे, और हम चाहते हैं यहाँ पर जयपुर में बड़ा सुंदर मंदिर हो, बड़े सुंदर सिंहासन हो, ठाकुर जी की बड़े सुंदर विग्रह हो, ठाकुर का विग्रह तो बहुत बढ़िया ठाकुर जी का, ठीक है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सचिनंदन गौर हरि की, बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की, बोलो प्रभुपाद की, हिताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि। समानंद प्रभु तुम कुछ बोलो, पांच मिनट में कीर्तन कर देता हूँ, एक कीर्तन कर लेते, ठीक है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, माइक ले लो तुमको ही, लास्ट में बढ़िया वो कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन जय गिरिवरधारी, जय राधा जय गिरिवरधारी, जय यशोदा जय भज जन रंजन, जय भज जन रंजन, जय 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 जय
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hara program chalti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Aur jab mita mita Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. আগের বার খেলে পরে খালি থাকবে ঠিক আছে আগের বারে এসেছিলাম এসেছিলাম একবার তারপরে ছিলাম পাশের জায়গা বোধ নেওয়া হবে বড় করে বড় আপনার ওখানে গোপীনাথ দর্শন করে ওখান থেকে রাজা কাপড় দিন প্রোগ্রাম আছে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare আগে রাখলে
हरे कृष्ण। क्या तुम लोग और कोई बोलने वाले हो? बोला भी इसका दादा सब लड़कियां बड़े बड़े पंडित है, अच्छी बात है। हाँ देखो, एक तरफ में कृष्ण का दल, एक तरफ में राधा रानी का दल। लगता है राधा रानी का दल जीत रही है। बच्ची कितना सुंदर है बताया, इसने बोली भी अच्छी बोल दी। सबसे बच्ची लड़के लोग, तुम लोग जो इतने किस तरह हुए छोटे छोटे बच्चे, तुम लोग भी छोटी छोटी कथा सुनो, ठीक है ना? छोटे छोटे अच्छे तरह से देखो, कथा को ध्यान से सुनो। इधर देखो, कथा को ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी तुम कथा बोल सकते हो। जैसे स्कूल में पढ़ते हो, टीचर जब पढ़ाते हैं ध्यान से सुनते कि नहीं, तब तुम फिर पेपर देते हो ना। इस तरह जो कथा हो रही है उसको एक मन से सुना, अगर हो सके तो एक नोटबुक रखा करो, उसमें छोटी छोटी भगवान की कथा लिखो, ठीक है? छोटा छोटी छोटी कथा लिखो, फिर बोलने के लिए कोशिश करो। तुम भी बोल सकते हो, ये मत समझो हम बोल ही नहीं सकते, जरूर बोल सकते, ठीक है? बोलो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न मिलन्ति येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म ओम अष्टोत्तर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरणों में यथा रूपी दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात इतिलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रीधर नारायण गोस्वामी नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं आज पहली बार कथा कर रही हूँ, आपको पता लग ही गया होगा। तो आज मैं जो टॉपिक में प्रिपेयर कर रही थी उस पर राहुल प्रभु जी ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो बता दिया, फिर भी मैं बोलने की प्रयास करूंगी। तो मेरे से कुछ भी टूटे हो तो सबसे पहले मुझे क्षमा कीजिएगा। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले श्लोक है, आहार निद्रा भया मिथुनम च कामायमेता तपशुभिनारायणम धर्मो पशुभिनारायणम। आहार निद्रा भय मिथुन, ये चार चीजें हैं, आहार
खाना पीना सोना और संतान उत्पत्ति करना, ये चारों चीजें जानवर भी करता है और मनुष्य भी करता है। लेकिन इसमें मनुष्य को क्या अलग करता है, मतलब मनुष्य कैसे इसमें अलग है? तो धर्मे ही तेषा मधिको विशेष, जो धर्म है, जो धर्म को जागने की, जो जानने की जो जिज्ञासा है, उसी से ही मनुष्य अलग होता है। तो जैसे 84 लोक योनियां है, उसके अंदर 4 लाख योनियां ही मनुष्य में मनुष्य है, तो इसके अंदर भी मतलब सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ही है सबके अंदर। तो एक जो पोस्ट है, जैसे क्लर्क की पोस्ट हो गई और ऑफिसर पोस्ट हो गई, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? जो ऑफिसर पोस्ट है उसके अंदर सुविधाएं बहुत ज्यादा मिलती है अपन को, लेकिन उसी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही मिलती है। वहीं पे क्लर्क के अंदर सुविधा कम मिलेगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी कम मिलेगी। तो यही डिफरेंस है कि जैसे बाकी सारी जो उम्र से मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ ही है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है अपन को। तो भगवान अपन को यहाँ भेजे हैं तो वो इसीलिए कि मनुष्य अपन जो अपना धर्म है अपन वो करेंगे, अपन भक्ति करेंगे और अपन भक्ति करेंगे और मतलब इस जो 84 लोक योनियां है इसको अपन एक दिन तार जाएंगे, जहां से अपन आए हैं अपन वहीं वापिस पहुंच जाएंगे। तो यही है। अब ये जो मनुष्य जीवन है उसमें इतना दुर्लभ है मनुष्य जीवन कि जो देवता है वो भी इसको पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता कोई भी बन सकता है। जैसे आज अपने जितने अपन यहाँ पे मनुष्य जीवन में जितने पाप और पुण्य करेंगे उस प्रकार से अपन को अगला जीवन मिलेगा। जितने अपन पुण्य करेंगे ना, जितने अपन पुण्य करेंगे उतना अपन स्वर्ग में जाएंगे, उतने अपन भोग करके वापिस भी इसी धरातला पे फेंक दिए जाएंगे। और जितने अपन नर्क मतलब जितने अपन पाप करेंगे तो अपन को नर्क में जाके और फिर यातनाएं सहनी पड़ेगी। तो देवता भी इस जीवन को मनुष्य जीवन को ऐसे तरसते हैं क्योंकि वो भी भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे भक्ति नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्वर्ग के अंदर इतने स्वर्ग में है क्या, भोग है। अगर आज अपन को भी इतनी सुख सुविधाएं मिले तो अपन भी हरिनाम भक्ति कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अपन अपने पास में लेकिन अपने यहाँ पे दुख पीड़ा मिल रही है। अपन ये दुख इस संसार को दुखालय बोला गया है, तो इसके अंदर दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ समय के लिए अपन को सुख मिलेगा, उसके बाद वापिस वही दुख मिलेगा। तो देवता भी तरसते हैं और वो भी चाहते हैं कि मतलब मनुष्य जीवन मिले ताकि वो हरिनाम कर सके। तो बस और देंगी पे मैं मनसा कर बैठे हुए भैया से कि बस मेरे में ऐसे पता नाम पाऊंगे कि वो बेचना है कि वो नमो नमः। ओ अजय अजय का बहन पीछे जो बैठी हो तुम मुझे बोल सकती हो? ए बोल सकती हो? नहीं नहीं बोल सकता। और कोई बोलना चाहते हो तुम लोग अंदर में? हरे कृष्णा, मैं 5 मिनट बोल देता हूँ, पर हमारे श्री सुंदर गोपाल प्रभु बोलेंगे, ठीक है? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। घुमा राम राम। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, मदन मोहन लाल की, सर्वाग्री मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म
नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं ये मानव जन्म की दुर्लभता, इसलिए श्री चैतन्य चैतामृत में कहते एक है जिसका नाम है रूप शिक्षा। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को उपलक्ष्य करते हुए उनने जो उपदेश दिया है उसका नाम है श्री रूप शिक्षा। इसलिए महाप्रभु कहते देखो रूप, ये जो भक्ति है, भक्ति रस एक अथाह समुद्र है, लेकिन वो भक्ति रस का तुमको एक बूंद में कोशिश करूंगा तुमको चखाने के लिए, लेकिन उन्हीं के लिए तो एक बूंद है लेकिन हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए बहुत है। एक उदाहरण दिया, आप लोग रसगुल्ला खाए हो? कौन कौन खाए हो? आप देखना जैसे रसगुल्ला खाते हो, रसगुल्ला जैसे एकदम मुंह में डाल दो ना, देखना ये दोनों धारों से कभी एक आध बूंद कभी उसका जो रस टपक जाती है, लेकिन एक आध बूंद टपक जाती है लेकिन चेटी जो चेटा चेटी के लिए बहुत है, चिट्टी के लिए बहुत है कि नहीं? हमारा लिए तो एक बूंद टपक गया लेकिन चेटा चेटी के लिए बहुत ही है। इसलिए महाप्रभु तो रूप गोस्वामी को कहते हैं मैंने तो तुमको एक बूंद चखवा रहा हूं लेकिन हमारा लिए ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। उससे हम थोड़ी सी कथा सुनेंगे। कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कह रहे हैं। और कहां से? बोले भागवत से श्लोकों को उद्धृत करते हुए कहते हैं वहां पर कहते रजो भी सब संख्या था पार्थिव ही रिह जंतम। देखो भगवान क्या कहते हैं, ये भागवत का श्लोक है। कैसे जैसे जगत में आप ये धूल कणा को नहीं गिन सकते हो, जैसे ये बारिश का बूंद को नहीं गिन सकते हो, उसी तरह जगत में इतने जीव है वो जीव को भी नहीं गिन सकते। मेरे तरफ में देखो, इसमें पानी है, इसमें पानी, ये एक बोतल पानी में इतने बैक्टीरिया इतने जीव है, ये विश्व ब्रह्मांड में इतने इंसान तक भी नहीं, मानते हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोलो। ये जो पानी इतना एक बोतल पानी में इतने इतने जीव इतने बैक्टीरिया है इसके अंदर में, ये पृथ्वी में इतने इंसान भी नहीं हैं, ये समझो। कहते उसी तरह जैसे गिन नहीं सकते हैं, कहते उसी तरह जगत में जीव को गिन नहीं सकते हो, लेकिन वो जीव में कुछ पेड़ पौधा है, कुछ जानवर भी है, कुछ चिड़िया भी है, कुछ चिड़िया भी, ऐसे ऐसे ये सारे जीव संसार में, ये ऐसे ऐसे 84 लाख और 14 ब्रह्मांड में ये सारे जीव सबके सब भटक रहे। ऐसे करते करते भगवान कहते हैं किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये मानव शरीर प्राप्त होता है। कभी ये मानव शरीर की इतने दुर्लभता, आप और हमारी बात छोड़ दो, स्वर्ग के देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं गोविंद देव से, हे गोविंद देव आप कृपा करके हमें ये मानव शरीर दो। कहां पर? विदेश में, अमेरिका में, लंदन, फ्रांस नहीं, भारत भूमि में। अरे भारत भूमि में विशेष कर कहां पर? जयपुर में। कहां पर है? ताली हो जाए एक बार। इसलिए ये जयपुर में, क्योंकि जो जयपुर है ये अभिन्न वृंदावन है, यहीं पर सारे वृंदावन का ठाकुर सबके सब यहीं पर आ गए। सारे वृंदावन का ठाकुर है सबके सब जयपुर में आ गए। इसलिए आप लोग वही सौभाग्यवान हो जो कि आप लोग ने ये जयपुर में तुम लोग ने जन्म ग्रहण किया है। कहते केवल इतना नहीं, केवल देवता प्रार्थना करते सो बात नहीं, अब भागवत पढ़ करके देखो यहाँ तक भी ये मानव शरीर पाने के लिए विशेष करके कलयुग में, कहते जो सत्य युग का जो लोग है वो भी जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए सत्यजू को कहते हैं कृतजू। क्या कहते हैं सत्यजू को? कृत। कृत मतलब होता है सत्य युग में जो धर्म है वो 4 चरण में रहता था पूरा, उसी समय में कोई अपकर्म नहीं करते थे, कोई गंदा नाम कर्म नहीं करते थे, झूठ बेईमानी मांस मछली अंडा अवैध स्त्री संग कुछ नहीं, उस समय में धर्म 4 चरण में रहता था, इसलिए वो जू को कहते हैं कृतजू। सबके सब जीवन धन्य था। तृतीय युग को कहते हैं राम राज्य।
गोस्वामी जी कहते तो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये तीन तरह का जो दुख है ना कत्र त्रेता युग में नहीं था। यहां तक भी अगर किसी जानवर को कोई भी दिक्कत हो ना, ये सब के सब राम दरबार जब लगता था, जानवर भी जाकर के अपना दुख की बात करते थे। ध्यान देकर सुनो, बोले एक समय एक कुत्ता रास्ता में सोया हुआ था, गुरु जी कथा सुनाते थे। एक समय एक ब्राह्मण स्नान करके आ रहा था, ठाकुर को सेवा करेगा, लेकिन बीच रोड में कुत्ता सोया हुआ, और वो ब्राह्मण बोले भैया हट हट, लेकिन कुत्ता हटे ही नहीं। बोले भैया ठाकुर को सेवा करेगा, बीच रोड में सोया हुआ, पास में एक डंडा बड़ा हुआ था, उठाया मारा कुत्ते को। जब कुत्ते को मारा कुत्ते तो दुखी हो गया, लेकिन जब शाम को राम दरबार बैठा ना, कुत्ता भी आ गया अपना प्रॉब्लम को लेकर के। बोले प्रभु मैं भी अपना एक प्रॉब्लम को बताना चाहता हूँ। बोले बताओ। भगवान जानवर की भाषा को समझते थे। उन्होंने कहा मैं मेन रोड में सोया हुआ था और ये ब्राह्मण ने मेरे को डंडे से मारे। ब्राह्मण को बोले भैया तुमने क्यों मारा? बोले ये बीच रोड में सोया हुआ था, मैं स्नान करके ठाकुर को सेवा पूजा करके आ रहा था, मैंने बोला हट हट, हटा ही नहीं, इसलिए डंडे से उसको मारा। बोले जब जो कुछ भी हो, मारना अच्छी बात नहीं है, किसी जानवर को मारना अच्छी बात नहीं है, बोले तुमको दंड भोगना पड़ेगा। बोले इसको कौन स्थिर करेगा? बोले कुत्ता स्थिर करेगा। बोले बताओ इनको क्या दंड दिया जाएगा? बोले देखो एक कलिंगर राज्य है, वहां पर एक सुंदर मंदिर है, वो मंदिर को इनकी महत बना दो। भगवान राम तो सब जानते हैं, कहते तो जो मंदिर है अथा संपत्ति, मंदिर का अथा संपत्ति है। बोले भैया कलिंजर मटका तो बड़े संपत्ति, बड़े जमीनी जगह, वहां पर क्यों उसको महंत बनाने के लिए क्यों कह रहे हो? देखो कुत्ता कहता है पहले जन्म में मैं वहां का महंत था, महंत था। बोले पर कुत्ता क्यों बने? बोले ठाकुर को सेवा के लिए जो चीजें आती थी, आप देखना कुत्ता अगर कोई चीज को देख लेना फिर ठाकुर को भोग नहीं लगता, देखना उसका जीभ से हर समय पानी टपकता रहता है, बड़ा लोभ उसका हृदय में। कहते मैंने कुत्ता था, ठाकुर को सेवा के लिए जो वस्तु आता था उसको ठाकुर को सेवा में नहीं लगकर मैं स्वयं भोग करता था, इसलिए इसी जीवन में कुत्ता बनना पड़ा, उसको वही की कुत्ता बना दो, वही की महत बना दो, बस अपने आप कुत्ता बन जाएगा अपने। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि भगवान राम ये जानवर का भाषा उनको भी समझते थे भगवान राम। इसलिए तृतीया युग राम राज्य कहते ना, अयोध्या जहाँ पर युद्ध नहीं, अवध जहाँ पर कोई मरते नहीं, आनंद ही आनंद था प्रभु का राज्य में। द्वापर युग आया, कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन रूप में आए, पूर्ण ब्रह्म सनातन रूप में आए, वहां पर धर्मचार चरण में रहता था। लेकिन देखो जो कलयुग जिस युग हम जन्म लिए, सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी इसी कलयुग में आकर के श्री महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त होकर के वे लोग भी भगवान की भजन करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग जो तिलक कंठी माला पहने हैं ना, साधारण मत समझो, सब बड़े बड़े देवता तुम लोग हो, देवता से भी बड़े हो, सत्य त्रेता द्वापर युग में आए होंगे हैं, क्योंकि एकादश स्कंध कह रहा है महाप्रभु की धारा में जो लोग आए हैं वो तो साधारण व्यक्ति नहीं। एक बार ताली बजाओ तुम लोगों के लिए हैं, क्योंकि हम सबके सब महाप्रभु की धारा में और ये गौड़ीय संप्रदाय में हम सबके सब आए, बड़े भाग्यवान। इसलिए यहाँ पर कह रहे किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को वहां पर उदाहरण देते हैं, नदी प्रवाह जन कष्ट लागे थे, एक उदाहरण दिया। जैसे आप लोग देखना बाहर का समय नदी है ना, नदी में कितने घास भूसा लकड़ी बहते हुए जा रहा है, कितने बहते हुए, हठात कोई कोई घास जैसे एक किनारा में जैसे लग जाता है, तो उसी तरह अनंत जीव संसार में, हाँ अनंत जीव संसार में, लेकिन किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये मानव शरीर किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को मिलता है। लेकिन उसमें भी देखना कुछ ऐसे लोग जंगली जानवर, अभी भी जंगली जानवर जैसे जंगल में रह रहे, खान पान ठीक नहीं, नंगे अभी भी रहते हैं जंगली जानवर, उसमें किसी सौभाग्यवान व्यक्ति जैसे ये सभ्यता में आते हैं, ये सभ्यता में आने पर भी आप लोग बहुत लोगों को देखे होंगे जो भगवान भगवान मानते नहीं है, भगवान भगवान कौन देखा है, जो चीज देखा नहीं हम कैसे मान लेंगे। कुछ ऐसे लोग देखो नास्तिक प्रकृति के लोग है,
ऐसे नास्तिक की प्रकृति में कुछ कुछ विशेष सौभाग्यवान व्यक्ति जो थोड़ी आस्तिक में आते हैं, भगवान को मानने वाले आते हैं। लेकिन जो भगवान को जो मानने वाले में उसमें देखना, कहते मुंह से तो मानते हैं, वेद शास्त्र को मुंह से तो मानते हैं, लेकिन आप देखना ये वेद निषिद्ध कर्म करे, मानते तो मुंह में लेकिन ये वेद निषिद्ध काम को सारे उल्टा पुल्टा काम करते हैं। मुंह से मानते हैं लेकिन अपना क्रिया में नहीं मानते हैं। इसकी अंदर में बड़े सौ ध्यान से सुन रहे कि नहीं, कथा बोल दो खड़े करके तो मुंह से तो शब्द निकलते नहीं, चुपचाप बैठो, कल तुम अभी खड़े तुमको खड़े करेंगे, क्या सुन रहे हो। इसलिए उसमें कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं उसकी अंदर में बहुत सारे व्यक्ति है जो शास्त्र ग्रंथों को मानते हैं, वो कर्म में बड़ा विश्वास करते हैं, हैं? दान पुण्य कर्म करो स्वर्ग जाओ वहां भोग करो, हैं? कर्म में बड़ा विश्वास करते ना, कर्म करो कर्म करो कर्म करो, भगवान गीता में तो कर्म की बात बताए। उसमें भी कुछ लोग होते हैं कर्म तो करते हैं लेकिन उसको फिर भगवान को अर्पण कर देते हैं। उसमें किसी सौभाग्यवान व्यक्ति ये ज्ञान में आते हैं, हैं? यो ज्ञान कहते ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न काख्यंती सम सर्वेत भूतेषु मत भक्ति लभेत परा, हैं? इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान में जिनका विश्वास है, ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में, करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कहते सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि सोभी महामुने, ऐसे करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों के अंदर में करोड़ों करोड़ में कोई एक भगवान की नारायण भक्ति करने वाले होते हैं, करोड़ों करोड़ में। इसलिए मुक्ता नापि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि सोभी महामुनि, उसमें भगवान नारायण और लक्ष्मी को भक्ति करते हैं। लेकिन ऐसे लक्ष्मी नारायण को भक्ति करने वाले अंदर में बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति करोड़ों करोड़ में जो भगवान राम को भक्ति करते हैं। किसको भक्ति करते हैं? भगवान सीता राम को, बोले सियावर राम चंद्र की, जो सीता राम को। लेकिन उसी में भी करोड़ों करोड़ में कोई द्वारकाधीश भगवान को भक्ति करते हैं, उसी में भी करोड़ों करोड़ में कोई श्री मथुरेश कृष्ण को भक्ति करते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ में कोई सौभाग्यवान व्यक्ति श्री गोविंद देव को और श्री मदन मोहन को भक्ति करते हैं। गोविंद देव श्री मदन मोहन को भक्ति करते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं उसी में भी दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, उसमें भी चार तरह का भक्त होते हैं। लेकिन उसकी अंदर में कोई सौभाग्यवान व्यक्ति जो श्रृंगार रस में भगवान को श्रृंगार रस में भक्ति करते हैं, लेकिन श्रृंगार रस में भी गुरुदेव कहते कुछ सोकिया कुछ पर किया, ये बड़ी रस की बात है उसमें, लेकिन उसकी अंदर में भी राधा रानी की आनुगत्य में, हैं? राधा रानी की आनुगत्य में जो गोविंद देव का मदन मोहन का जो भक्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो राधा रानी की आनुगत्य में जो भक्ति करते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति जगत में कुछ भी नहीं हो सकती है। तब फिर गुरुदेव कहते हैं अभी प्रश्न है ये चीज को फिर प्राप्त कैसे करोगे, ये चीज को प्राप्त कैसे करोगे। फिर महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। ध्यान देकर सुनो, इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे हम 14 ब्रह्मांड 84 लक्ष जन्म भटकते भटकते विशेष किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को फिर ये गुरु वैष्णव का धर्म मिलता है। साधारण व्यक्ति नहीं, यहाँ पर कहते कौन किसको ये साधु संग मिलता है, किसको ये वैष्णव का संग, जो आप लोग यहाँ पर आए हो बैठ करके कथा सुन रहे हो हरिनाम भजन कर रहे हो, ये कौन है? बोले साधारण व्यक्ति नहीं, जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म से भक्ति उन्मुख सुकृति, मतलब क्या, अगर कभी जान और अनजान में कहीं अगर अपने हरि कथा सुन लिया, ठाकुर का कहीं प्रसाद पा लिया, तुलसी परिक्रमा कर ली, हैं? ये सब काम को जो जान और अनजान में जो किए हुए हैं उनको ही जब ये बृहत आकार रूप धारण करता है, फिर भगवत इच्छा से, फिर श्री मदन मोहन जी की इच्छा से, फिर जीवन में हमें किसी शुद्ध वैष्णव का दर्शन मिलता है, शुद्ध वैष्णव का दर्शन मिलता है, हैं?
इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। गुरु कृष्ण मतलब क्या, हम तो गुरु जी को पास में आए, गुरु जी से हरि नाम लिया, गोपाल मंत्र लिया, हम भजन करते हैं, हैं? यहाँ पर फिर कृष्ण का नाम क्यों आए, गुरु और कृष्ण क्यों आए, बोले भैया यहाँ पर हमको कौन लाया है। इसलिए गुरु जी कहते चार तरह के गुरु है, कितने तरह के बोलो, कौन कौन है, कौन बोलेगा बोलो, जब कोई प्रश्न करना सब चुप हो जाते हैं। अरे बोले चार तरह के गुरु कौन कौन है, हाँ हाँ दीक्षा गुरु और हाँ और एक है अंतर्ज्यामी गुरु, ठीक है ना। इसलिए गुरु अंतर्ज्यामी रूपे सिखाए आपने, इसलिए कहते हैं हमारे चार तरह का गुरु है। पहले ब्रह्म प्रदर्शक, मतलब भक्ति से आने से पहले हमें जिसने सबसे पहले हमसे जो मिले, जो हमें प्रभु की बार में हमें बताया, उसको बाद में हम गुरु जी को श्री चरण में आए, जिनसे दीक्षा मंत्र लिया, वो कौन हो गए, हमारी दीक्षा गुरु हो गए। लेकिन ये कभी कभी दीक्षा गुरु का संग इतना नहीं मिलता है, कोई उसी लाइन में उसी परंपरा में उसी भाव में धारा में स्वजातीय आश्रय सिद्ध, जो उसी धारा में जो आने वाले कोई भक्त हमें क्या करता है, हमें आगे की बात बताते हैं, भक्ति में हमें जो उत्साह देते हैं, प्रेरणा देते हैं, भजन करने की हमें जो उत्साह प्रदान करते हैं, वो हो गए हमारी शिक्षा गुरु है। और एक गुरु है जो कि अंतर्ज्यामी गुरु। अंतर्ज्यामी गुरु कौन है, हम कहते ना कृष्णंग बंदे जगत गुरु, जो मूल गुरु है कृष्णा, कहते कृष्णम बंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु है। वो कौन, जो हमारी हृदय में जो बैठे हुए, हमारी हृदय में जो बैठे करके हमें जो प्रेरणा को प्रदान करता है। आप बताओ आज हम लोग वैष्णव, बहुत सारी संप्रदाय, चार वैष्णव संप्रदाय, अभी प्रश्न होता है, अभी ये बताओ हम गौड़ीय संप्रदाय में क्यों आए, और भी तो किसी संप्रदाय में हम जा सकते थे, लेकिन ये गौड़ीय संप्रदाय में, महाप्रभु धारा में, प्रभुपाद की धारा में, रूप गोस्वामी की धारा में हम क्यों आए, और क्यों नहीं गए कहीं, कारण हमको लाने वाले कौन है, मदन मोहन जी। कौन लाए यहाँ पर हमें, मदन मोहन जी लाए, क्योंकि वो जानते हैं किसकी अंदर में कौन भाव, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकृतम सिद्धि साध्यता, हमारे हृदय में एक नित्य सिद्ध भाव हृदय विद्यमान है, विद्यमान है हमारे अंदर में, अभी हमारे हृदय में कौन सा भाव है वो किसको पता है, ये मदन मोहन जी को पता है। इसलिए आज जो हम लोग इसी लाइन में आए, महाप्रभु धारा में लाने वाले कौन है, बोले श्री मदन मोहन लाल की, ये मदन मोहन ही हमें यहाँ पर लाए। इसलिए यहाँ पर कहते ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, विशेष विशेष सौभाग्यवान व्यक्ति ही ये भगवत भजन में आते हैं। इसलिए भागवत में बताए भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जनस्य तहीर अच्युत सत्समागम, सत्समागम जहीर पराबरेश जाए तोई रति। यहाँ पर कह रहे हैं भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जनस्य, चलो किधर आ जाओ, तो आगे आ जाओ। इसलिए ये संसार में भ्रमण करते करते हैं, कहते साधु संग कब जीवन में मिलता है, कभी साधु संग कब जीवन में मिलेगा, तभी मिलेगा जब संसार का सारे दुख कष्ट हमारी खत्म हो गया, जीवन का सारे दुख कष्ट खत्म हो गया, और ये संसार में हमें आना नहीं पड़ेगा, संसार में हमें आना नहीं पड़ेगा। बोले तही अच्युत सत्संग आगम, तभी जीवन में वैष्णव संग तभी मिलते हैं, तभी सदगुरु मिलते हैं, और वैष्णव जहीर, जब हम वैष्णव का संग करेंगे, अरे हम कथा सुनेंगे, कथा सुनते सुनते क्या होगा, भगवान की चरण में धीरे 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 उनकी चरण में श्रद्धा रति भक्ति, श्रद्धा पर भाव पर हृदय में प्रेम प्रकट होगा, हाँ प्रेम प्रकट होगा, ठीक है ना। इसलिए कहते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कहते गुरु और कृष्ण इनकी दोनों की कृपा से ही, मतलब यहाँ तक लाने वाले श्री मदन मोहन है, वही हमें यहाँ तक लाए, अगर वो नहीं लाते है ना, इसलिए कोई एक संत उदाहरण देते हैं, फिर तो हम किसकी चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर कालनेमी, कालनेमी नाम सुने हो, अरे कालनेमी का नाम सुनेंगे नहीं, हाँ जिस समय लक्ष्मण का शक्ति शैल हो गया, जब शक्ति शैल हो गया, हनुमान ने सुषेण वैद्य को उठा करके ले आए,
बोले देखो ये बच सकता है अगर राता रात कोई अगर गंधमार्दन पर्वत से विशल करने ले आए ना बचने का कोई उपाय है। इतने में हनुमान बोले मैं ले आऊंगा। रावण को जो पता चला ना उसने कालनिम को भेज दिया राक्षसों को, बोले किसी तरह से उनको रास्ता में एक रात रोक लो खत्म लक्ष्मण खत्म हो जाएगा। कालनिम आकर के रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम। हनुमान ऊपर उठते हुए जा रहे थे, बोले भैया गुरु भाई हमारी ये बीच में गुरु भाई। हनुमान नीचे उतर करके आए, उसको तो सब पता है। बोले हाँ मेरे को सब कुछ पता है, लक्ष्मण का शक्तिशाली हुआ ना। बोले हाँ ये तो सब जानता है। बोले तुमको किसी वैद्य ने भेजा ना गंधमार्दन पर्वत में विशल करने डालने के लिए। भैया ये तो सब जानता है, लेकिन किसने भेजा उसको? रावण ने भेजा। बोले एक रात रुक जाओ विश्राम कर लो। बोले नहीं नहीं विश्राम नहीं कर सकता हूँ, राता रात हमें दवा लेकर जाना पड़ेगा। बोले तू करने वाले कौन होता है? करने वाले सब राम। उसके इच्छा के बगैर पता भी नहीं हिलता है। मैं तेरे को ऐसे मंत्र जानता हूँ, राता रात भेज दूंगा पहुंचा दूंगा, कोई चिंता मत करो। बोले तो सारे शास्त्र की बात बोलता है, लेकिन वो कौन था? राक्षस था और रुकना चाहता था। लेकिन जब हनुमान जी स्नान करने के लिए गए, जब मगरमच्छ ने पकड़ा, जब हनुमान जी मगरमच्छ को मारे ना, फिर मगरमच्छ ने सारे बात को बता दिया। तो देखो वो जो बीच में साधु नहीं वो कालनेमी, खबरदार वहां रुकना नहीं, सीधा चले जाना। फिर तो हनुमान जी कालनेम को मार कर गए। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते, यहाँ पर कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, मतलब है जब तक भगवान की कृपा नहीं होना भैया हम शुद्ध साधु के पास में नहीं पहुंच सकते। तब भी हम किसी शुद्ध वैष्णव परंपरा साधु को तभी हम पहुंच सकते हैं जब श्री मदन मोहन की कृपा होएगी, नहीं तो इनकी कृपा के बगैर हम कहीं पहुंच नहीं सकते। इसलिए ये भक्ति लता रूपी बीज गुरुदेव हृदय में देते हैं, फिर श्रवण कीर्तन जले करे सचन। हाँ ध्यान देकर सुनो, अभी गुरुदेव तो हृदय में बीज बो दिया, इसको ध्यान से सुनो, लेकिन वहां पानी देने का काम करना पड़ेगा। हम हो गए कि माली, माली का काम क्या होता है? टाइम टाइम पर पानी देना है। फिर कभी कभी बकरी आकर चर खा भी जाता है, चारों तरफ में बाढ़ भी देते हैं। अभी हमको ये काम करना पड़ेगा, वो काम किया, यही चीज को समझ लो। गुरुदेव के पास में तो मंत्र प्राप्त कर लिया, अगर माला को तुम लेकर लटका कर रख लोगे क्या गुरुदेव तुमको वैकुंठ भेज देंगे क्या? एक समय किसने गुरुदेव के पास में आए, बोले गुरुदेव मेरे को पहचान रहे हो? गुरुदेव ने बोले तुम कौन हो? बोले गुरुदेव मेरे को भूल गए, अब से मंत्र लिया था। गुरुदेव बोले कितना दिन के बाद में आए? बोले एक साल बाद में। तुम एक साल बाद में तुम आओगे मंदिर में, एक बार गुरु मंत्र लेकर घर में चली जाओगे और एक साल के बाद में आओगे, बोले गुरुदेव मेरे को पहचानते हो? इसलिए नित्य गुरु जी को पास में आना पड़ेगा, मंदिर में आना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, नित्य श्रवण कीर्तन चले करे सचन। कहते क्या करना पड़ेगा? आकर के हरि कथा वैष्णव से गुरुदेव से हरि कथा सुनना पड़ेगा, ठीक है ना? जब हरि कथा सुनेंगे फिर उसमें एक अंकुर आएगा, फिर उसमें दो पत्ते आएगी, फिर उसमें लता आएगी, फिर उसमें बढ़ते बढ़ते गोलोक वृंदावन जाएगी, है ना, वृंदावन जाएगी। इसलिए अभी यहाँ पर कह रहे हैं अभी हमको गुरुदेव हरिनाम ले लिया, इसलिए गुरुदेव देखो ध्यान देकर सुनो। गुरुदेव कहते थे जब हम गुरुदेव से माला लिए हैं, हम माला नहीं ये साक्षात भगवान कृष्ण हमारे पास में आए। इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम। गुरुदेव कहते थे खुद भूखे रह जाना लेकिन कभी माला को भूखे नहीं रखना। मतलब क्या? एक दिन अगर तुमने माला जप नहीं की तो भगवान स्वयं भूखे रह गए, स्नान नहीं किया, ठाकुर कपड़ा नहीं बदलाया, ठीक है ना? इसलिए रोज माला हमें करनी चाहिए। देखो माला करने का कितना महिमा, हरिदास ठाकुर दिन में कितना हरिनाम करते थे? तीन तीन लाख हरिनाम करते थे, तीन तीन। हम सोलह माला करना दिन भर लग जाती है सोलह माला जप, और चार बार सोलह और कितना बार? तीन बार एक एक लाख, समझो मानो 24 घंटा में 24 घंटा हरिनाम करते थे। देखो हरिनाम करने का कितना महत्व है, भगवान स्वयं, हम तो ठाकुर को दर्शन करने जाते थे लेकिन स्वयं सचिनंदन गौर हरि भगवान हरिदास ठाकुर को दर्शन करने आते थे, दर्शन करने आते थे। मतलब इतने हरिनाम की महिमा, केवल इतना नहीं भगवान स्वयं जिनके लिए
जगन्नाथ का प्रसाद लेकर के आते थे। भगवान शिक्षा देते, अगर तुम मेरे नाम करोगे ना, खाने पीने का कोई चिंता मत करो। अन्य नश्चिंतमाम जे जना परिजुपास थे तेसाम नित्याभिजुक्ता नाम जोगाखयम। भगवान कितने बड़े प्रतिज्ञा लेते हैं हमारे लिए, जो अनन्य रूप में, अनन्य मतलब क्या, और कोई देवा देवी नहीं, ज्ञान कर्म योग नहीं, जो अनन्य रूप में केवल मेरे सेवा नाम पूजा करता है, उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। क्या करता हूँ? दो काम। जो सर पर हैं, तुम्हारे घर में जो चीज नहीं होगा, मैं सर पर रख करके तुम्हारे घर में पहुंचाऊंगा। और जो चीज तुम्हारे घर में होगा, मैं एक चौकीदारी बनकर उसको रखवाली करूंगा। इतने बड़े प्रतिज्ञा भगवान लेते हैं, लेकिन ये भक्ति कैसे करनी चाहिए ध्यान देकर सुनो। कहते मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती जीड़ा। इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे हैं, बोले माँ भक्ति अनन्य भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से मेरे को कोई प्राप्त। कृष्ण पहले ही टेढ़े टांग वाले हैं, सीधा बनोगे तो तुम्हारे लिए सीधा ही है, अगर तुम टेढ़े बनोगे ना तुम्हारे लिए टेढ़े बन जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए भक्ति कैसे करनी चाहिए, अरे बोलो, अनन्य रूप में भक्ति। आज इसी देवता देवी को पूजा, कल उसी देवता को पास में, काम नहीं बना तो और एक देवता को पास में, बोले वहां पर एक नया देवता निकला, चलो उनको पास में। भगवान बोले तो भटकते रहो, वहीं भटकते रह जाओ। अनन्य भक्ति होनी चाहिए। तब भगवान कहते तुम्हारे लिए मैं दो काम करूंगा, क्या, घर में तुम्हारी खाना पहुंचाऊंगा, मैं चौकीदार बन करके रखवाली करूंगा। इसलिए महाप्रभु स्वयं प्रसाद लेकर के, भगवान स्वयं प्रसाद लेकर के आ रहे हैं। मदन मोहन जी हैं, बोले कितने महिमा हैं, ठीक है ना। एक दिन माला पूरी नहीं हुई, ध्यान देकर सुनो, एक दिन इनकी माला पूरी नहीं हुई, कितना माला करते थे, 3 लाख माला। भगवान प्रसाद लेकर के आए, बोले हरिदास प्रसाद लो, देखो उसको ध्यान देकर सुनो, हरिदास प्रसाद लो। बोले प्रभु आज हम प्रसाद स्वीकार नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले आज मेरी माला पूरी नहीं हुई। मतलब क्या है? बोले हरि नाम नहीं तो जीना किया। कहते भैया अगर तुम भगवान की माला भजन नहीं कर पाए ना, भैया हरिदास ठाकुर तुम खाना बंद करो, तभी भोजन करनी चाहिए भक्ति कर, तभी जब तुम भगवान की भजन कर पाओगे, नहीं तो ये जीवन बेकार है। बोले आज आप भोजन नहीं करेंगे क्योंकि आज मेरे माला ही नहीं कर पाए, माला ही नहीं कर पाए। देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, लेकिन वो अंतिम स्थिति था, अंतिम सज्जा में लेटे हुए, अभी शरीर ही छोड़ने वाले। बोले महाप्रभु कहते भैया वृद्ध हो गए हो, थोड़ा कम करो माला, थोड़ा कम करो। देखो क्या कहते हैं, बोले प्रभु शरीर मोर सुस्त है, असुस्त बुद्धिमान। इतना चीज आप ले जाओ साथ में, बोले हमारे शरीर तो चंगा है, कोई कमी नहीं, लेकिन असुस्त बुद्धिमान। कहते हमारा जो मन है ना, ये बड़ा दुष्ट है। स्मार्टफोन देखो 3-3 घंटा देख रहे, कोई टीवी में सीरियल आ गया, सास बहू की सीरियल, हाँ गोपी गोपी बहू की, देखो 3-3 घंटा देख रहे। अगर किसकी चुगली करो सास बहू, बहू सास की, उससे तो मीठा कोई चीज है ही नहीं। बढ़िया, इसमें समय, लेकिन अगर किसको बोलो थोड़ा माला करो, बोले समय कहाँ, समय कहाँ हमारे पास में। इसलिए प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो, और जूती लेकर क्या करो, अपना मन को 100 बार पीटो। मतलब ये मन को समझाओ, क्या समझाओ, बोले मन आज सारा दिन हरि भजन करना, हरि नाम करना, आज दिन भर उल्टा पुल्टा चीज में समय मत दिया करो। देखो ध्यान देकर सुनो, अगर किसी व्यक्ति को अगर बोलते हैं भजन करने के लिए, हमारे गुरु जी कहते थे किसी व्यक्ति को बोलते, अच्छा इसको गांठ बांध कर ले जाओ, अगर किसी व्यक्ति को बोलते भजन करने के लिए, बोले समय नहीं। बोले क्यों? बोले संसार में बड़े दायित्व है ना, अपना परिवार को देखना पड़ता है। देखो गुरुदेव क्या कहते थे, प्रभु जी इधर सुना, इसलिए गुरुदेव कहते थे, देखो ध्यान देकर सुना, गुरु जी कहते थे तुम्हारे समय नहीं। बोले क्यों समय नहीं? बोले संसार बड़ा कर्तव्य है हमारी, इसका प्रति बड़े कर्तव्य है। देखो गुरुदेव क्या कहते थे, बोले दिन भर तुम जिनको पीछे लगे वह सुखी करने के लिए, अभी तक संसार में किसको खुश कर पाए? अरे हाँ कि ना बोल दो, अभी तक किसको खुश कर पाए? देखना तुम्हारे पीछे, तुम्हारे चुगली के सिवाय तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं होती होगी। जिनके लिए तुम मर रहे हो वही तुम्हारी चुगली करते कि नहीं? हाँ, अरे हाँ कि ना बोलो। फिर गुरुदेव क्या उदाहरण देते थे, बोले देखो ठाकुर को देखो, भगवान परीक्षा कर रहे थे, भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी ने क्या की उसी समय में, साड़ी को फाड़ करके
भगवान के हाथ में अंगुली में बैंडेज कर दी। ठाकुर जी इतने में ही खुश हो गए, इतने में ही। जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही थी, आप बताओ द्रौपदी का कितना पतित है? अरे जोर से बोलो, महाभारत देखे हो? बोले घर में ही हो रहा है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ गांधीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम और भाला युद्ध में श्री युधिष्ठिर महाराज, तलवार युद्ध में बराबर कोई नहीं थे, महायोद्धा थे। लेकिन बताओ इनके पांच पांच पति कोई काम में आए? काम में आए तो कौन आए? अरे कौन आए? गुरुदेव कहते जिसका पांच पांच पति काम में नहीं आए, पर हमारी एक पति कौन सा काम में आए? अंतिम समय में कौन काम आए? गोविंद देव जी काम आए। इसलिए गुरुदेव ये बात को उदाहरण देकर समझा रहे हैं, भैया तुम जितने कर्तव्य समझते हो, गुरुदेव कहते थे 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर के अपना काम धाम धंधा करो। गुरु जी कहते थे करोड़ों काम को पीछे छोड़कर के हरि का नाम करो, क्योंकि अंतिम समय में तुम्हारी साथ में वही जाने वाला, और भी कुछ जाने वाले नहीं। इसलिए भैया हरि नाम करने का इतने महत्व, ठीक है ना। महाप्रभु जिनको गोद में ले जाते हैं, स्वयं उनको समुद्र में स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, समाधि देते हैं, जिनके लिए भगवान स्वयं भिक्षा करके अपना हाथों से भक्तों को खिलाते हैं, मतलब महाप्रभु कहते हैं अगर मेरे लिए तुम हरि नाम करोगे तो मेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है ना। इसलिए सबके सब माला ठीक से हरि नाम करो। दुनिया जो कुछ हो जाए, मीरा जब भजन की सारा दुनिया विरोध हो गई, लेकिन मीरा ने किया अपना भजन छोड़ी? अरे छोड़ी नहीं, इसलिए सब उसका। लेकिन देखो दुनिया में मीरा का नाम हो गई, हो रही कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोलो? हाँ। इसलिए भैया एक अनिष्ट भक्ति करो, ठीक है रे। अभी हमारे श्री देखो जो कल है हमारी प्रोग्राम कहाँ पर, प्रभु जी आपको अनाउंसमेंट करेंगे कल हमारी प्रोग्राम कहाँ पर है। इसलिए अभी हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी आपको सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाएंगे ठाकुर जी की, ठीक है। ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं ये तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे करो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। श्री मदन मोहन लाल की जय। देखो यहाँ पर हम लोग 5 दिन प्रोग्राम में है, 5 दिन में आप लोग 5 दिन आए हुए प्रोग्राम, 4 दिन यहाँ, 4 दिन हुई है कल और एक जगह पर। देखो इस बार हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी झील खोल कर खर्चा किया है, रोज रोज आपके लिए एक ताली बजा प्रभु जी के लिए, रोज रोज है बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था किया। आज भी बड़ी सुंदर प्रसाद है, पूरी है, चावल है, कढ़ी है और क्या है, मिक्स वेज है, मिठाई है। और एक बार ताली बजा प्रभु जी। अरे हाँ अगला हम प्रभु जी से प्रार्थना किया, प्रभु जी मंदिर छोटा बढ़ रहा है, देखो हम भक्त लोग बैठ नहीं पा रहे, छोटा बढ़ रहा है। प्रभु की इच्छा है, प्रभु जी का इच्छा है इसको और थोड़ा सा बड़ा करे और बड़े सुंदर यहाँ पर भव्य सुंदर मंदिर बनाए, बड़े सुंदर ठाकुर को सिंहासन बनाए। प्रभु जी का बहुत बड़ी इच्छा है। और एक बार ताली बजा प्रभु जी के लिए। प्रभु जी आप लोग इतने कष्ट करके हैं, इतना कष्ट करके प्रभु जी आप लोग ये देखो आज ये जो ये है ना कि गुरुदेव की इच्छा थी। आपको पता है कि हम गुरु जी को साथ में आए थे, गुरुदेव बहुत कोशिश किया था जयपुर में कि जगह लो, बहुत कोशिश किया था। हम लोग तो कहाँ कहाँ घूमे तुम सोच नहीं सकते, इतने जगह पर घूमे, ये मंदिर शायद हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कहीं हो नहीं पाया। इसलिए जब देर तो हुई होने में, लेकिन बड़ी बहुत बढ़िया जगह पर मिला। अभी ये दो महाराज आए थे ना, देख रहे थे ना, जो दो महाराज आए थे हाँ, वो बोल रहे थे महाराज जी इतने बढ़िया ठाकुर मंदिर है, पूरा ठाकुर को गेट को पास में, हम तो कभी सोचा नहीं इतना ठाकुर को मंदिर निकलते ही मदन मोहन जी है। अरे यहाँ पर मदन मोहन जो करली में गए थे, ये मदन मोहन भी इधर आ गए, ये मदन मोहन भी
किधर आ गए, माना गुरु जी की जो इच्छा थी, गुरु जी हमारे सुंदर गोपाल प्रभु को द्वारा ही समझो ये स्थान को इतना सुंदर बनाया और आज इतने भक्त लोगों ने हरि कथा हरि कीर्तन सुन रहे हैं, गुरु जी की कृपा प्रभु जी को पर है और प्रभु जी का इच्छा है और भी सुंदर और भी सुंदर। ठीक है, सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पादपद नित्यल प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत शिष्य में शिल भक्ति विधान शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्यल प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत शिष्य में भक्ति विधान शिल स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम हो। पूज्य शिल भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम हो। समस्त मठवासी वृंद सबके चरणों में मेरा प्रणाम हो। देखो भगवान का जो मंदिर है, जो भगवान का स्थान है, वो चिन्मय होता है। कैसा होता है? चिन्मय। एक बार शिला स्वामी महाराज जी ने एक कथा का आयोजन किया था विदेश में, पूरा हॉल खाली था, तो भक्त लोग बड़े निरुत्साहित हो गए और उन्होंने बोला हमने इतना मेहनत किया और कोई कथा सुनने नहीं आया। तो स्वामी महाराज जी बोले नहीं तुमने देखा नहीं, मैंने देखा था 33 कोटि देवी देवता कथा सुनने आए थे। तो उसी प्रकार से जो भगवान का धाम चिन्मय होता है, भक्त भी चिन्मय होते हैं। जैसे भगवान का जो बंशीवट है वहां पे एक साथ में कितनी गोपियां आ गई, 100 करोड़ गोपियां, और देखने से कितना लगता है, बहुत छोटा लगता है। तो ऐसे जहाँ पे महाराज जी है वहाँ पे कितने भी लाखों भक्त आ सकते हैं, मंदिर कभी छोटा नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो आज का विषय है, मनुष्य शरीर की दुर्लभता। हमारे जो चारों संप्रदाय के चारों आचार्य, यहाँ तक कि चारों संप्रदाय को छोड़ के जो अन्य भी संप्रदाय हैं, जो कि प्रमाणिक संप्रदाय नहीं भी हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से भी शास्त्र को उठा के भी पढ़ता है किसी भी पंथ में, हर जगह मनुष्य शरीर को बहुत दुर्लभ बताया गया है। और जब तक हमें मनुष्य शरीर की दुर्लभता की अनुभूति नहीं होती, तब तक हम लोग भजन में अग्रसर नहीं हो सकते हैं। श्री स्वामी महाराज जी बोलते थे कि जिसको जिस दिन इस चीज की पूर्ण अनुभूति हो गई कि मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, उसी दिन वो भजन में संपूर्ण रूप से सीरियस होकर भगवान का भजन करेगा। जैसे एक उपाख्यान आता है, एक ऋषि थे जिनको एक वर मिला हुआ था कि जिस दिन ब्रह्मा जी का एक दिन बीतेगा तो उनका सर का एक बाल गिरेगा, और ऐसे करते करते जब सारे बाल गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु आएगी। उनका नाम क्या था ऋषि का? रोमहर्षण। अब वो धूप में बैठ के भजन कर रहे थे तो उनके शिष्यों ने देखा, अरे गुरु जी हमारे धूप में बैठ के भजन कर रहे हैं, उनके लिए कुटिया बनाने लगे। उन्होंने बोला, अरे समय की बर्बाद करते हो, मनुष्य जीवन कितने अल्प समय के लिए मिला है, मेरे को भगवान का भजन करने दो, मैं गर्मी में ही कर लूंगा। कितनी लंबी आयु है उनकी? करोड़ों साल आयु है। और वो भी क्या कह रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन क्यों बर्बाद करते हो। तो मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, शास्त्र बोलते हैं कमल दल जल जीवन टलमल भजौ हरिपद नीति रे। जिस प्रकार से कमल के दल के ऊपर पानी के बूंद का कुछ अस्तित्व नहीं है, यही आसे यही नहीं, अभी है अगले क्षण नहीं है, उसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन है जिसका कोई गारंटी नहीं है, कभी भी जा सकता है। और विशेष रूप से सत्ययुग द्वापर त्रेता में उस समय अकाल मृत्यु नहीं होती थी, और कलयुग में क्या होता है? अकाल मृत्यु होती है। बच्चा भी बूढ़ा भी कभी भी कोई भी जा सकता है। इसलिए इतना दुर्लभ जो मनुष्य जीवन है, ये मिला किस लिए है? केवल एक मनुष्य जीवन ऐसा है जिसको भगवान बोलते हैं मुकुंद एव सेवनम। क्या बोलते हैं? मुकुंद एव सेवनम, कि मैंने ये मनुष्य शरीर किस लिए बनाया है? मुकुंद एव सेवनम, केवल अपनी सेवा के लिए मैंने ये मनुष्य शरीर बनाया है। यद्यपि हमारे घर में फ्रिज है, अब फ्रिज अगर खराब हो गया तो उसको अलमारी की तरह भी तो यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन फ्रिज का मूल प्रयोजन क्या है? फ्रिज का प्रयोजन एक ही है, ठंडा करना। उसी प्रकार से जो मनुष्य शरीर मिला है, इसका एकमात्र प्रयोजन क्या है? भगवान की सेवा करना, इसका और कोई प्रयोजन नहीं है। और देखो जीवन में हम सब लोग जब भी दुखी होते हैं क्या करते हैं? किसी ना किसी के शरणागत होना पड़ता है जब भी कोई दुखी होता है। अगर मानो महाराज जी को उदाहरण देते थे शिल भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, एक सांप चारों तरफ पानी भरा हुआ है और एक सांप बाढ़ आई हुई थी मायापुर में, तो महाराज जी के कमरे के बाहर जो खिड़की थी, खिड़की के आके एक सांप गोल गोल वहां पे आके बैठ गया। अब वो जो सांप है जो अंदर कमरे में व्यक्ति रह रहा है, उसको हानि पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? कभी नहीं पहुंचाएगा, कभी भी हानि वो नहीं पहुंचाएगा। सांप का धर्म क्या है, उसका सांप की वृत्ति क्या है, किसी को भी देखेगा तो डसेगा, लेकिन अब वो किसी को नहीं डसेगा। महाराज जी को जो सेवक थे बोले, नहीं नहीं महाराज जी हम तो इसको भगा रहे हैं, हम तो कमरे में रहेंगे नहीं,
महाराज जी बोले तुम्हें दिखता नहीं है, चारों ओर पानी है, ये सांप अभी हमारे शरणागत हुआ है, ये अभी हमें नहीं डसेगा। सांप उस समय शरणागत हो गया। अब यही मैंने अभी राधा कुंड पे भी देखा, अभी राधा कुंड पे हमारे वहां चारों तरफ पानी भरा हुआ था, एक सांप हमारे वहां पे आके आ गया, उसको हम जितना भी भगा रहे भाग ही नहीं रहा, वहीं पे बार बार सर नीचे करके बैठ जाता है। सांप कभी सर नीचे करता है? सांप तो ऐसे ऊपर सर ऊंचा करता है। यही ऊपर रसोई में हुआ था, बहुत चूहे हो गए थे, तो मैंने एक चूहे को चूहे दानी से पकड़ लिया। अब जैसे ही उसको मैंने पकड़ा, अब चूहे को जब वो कर रहे हैं, कभी देखना चूहा भी ऐसे हाथ जोड़ कैसे हो जाता है, मैंने खुद देखा था, चूहा ऐसे हाथ जोड़ रहा था कि मुझे मारो मत, मुझे बचा लो। तो हर जीव कहीं ना कहीं जीव शरणागत होता ही है, गाय भी शरणागत हो जाती है, कुत्ते भी शरणागत हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में कहते हैं, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनो दुख कहीं ब कहारे, कि केवल एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसके अंदर हम लोग अपने दुखों को लेके भगवान के पास जा सकते हैं कि हाँ प्रभु मेरे जो चार दुख है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, और भगवान के पास जाके शरणागत हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर छूट जाने के बाद किसी भी अन्य योनि में हम भगवान के शरणागत नहीं हो सकते, भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। केवल ये मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और एक कहावत है, प्रेयर्स गो अप ब्लेसिंग्स कम डाउन, प्रार्थनाएं ऊपर जाती है आशीर्वाद नीचे आता है। तो भगवान से प्रार्थना करने का जो एक सुख है मनुष्य जीवन में, अगर देखा जाए जो सबसे ज्यादा एक भजन की उपलब्धि, हम कहते हैं ना हमें भजन करना है, भजन की उपलब्धि किसमें है, भजन की अनुभूति है प्रार्थनाओं में। जब एक जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हमारे सबसे निकट कौन है, सोचो हमारे सबसे निकट कौन है, आत्मा के साथ कौन रह रहे हैं, परमात्मा, जो हमारे हृदय के अंदर ही बैठे हैं, जो हमारे हार्ट बीट हो रही है, भगवान ही तो करते हैं सर्वस्य च मृति सन्नविष्टो। तो जो हमारे सबसे निकट वस्तु है वो कौन है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और अभी महाराज जी बता रहे थे भगवान को रिझाना कितना आसान है। इस जगत में भी जिनके साथ हमारा सबसे निकट संबंध होता है उनको हम बहुत जल्दी रिझा सकते हैं, जैसे माता पिता, माता पिता के लिए अगर आप कुछ भी ले जाओ, छोटा सा उपहार भी ले जाओ, वो अल्प सेवा बहु करिमानी, भगवान ऐसे हैं। क्या कि उनके लिए अगर आप कोई थोड़ी सी भी सेवा करो तो उसको वो कैसा करते हैं, बहु करिमानी, इसने तो मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। सुदामा ने क्या बहुत कुछ दिया था, क्या दिया था, दो मुट्ठी चावल, और भगवान ने क्या देखा, अल्प सेवा बहु करिमानी, उसको बहुत बड़ा मानते हैं भगवान को। अगर भक्त प्रेम से एक सरसों का बीज भी देता है, उनको लगता है कि इसने मुझे पूरा सोने का पर्वत दे दिया हो। इसको भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति, कि अगर कोई भक्त मुझे प्रेम से पत्ता, एक तुलसी का पत्ता लाके देता है, 10 रुपए का आता है, 20 रुपए का आता है, फ्री में मिलता है तुलसी का पत्ता, खरीदना नहीं पड़ता। पुष्पम, पुष्प की माला तो नहीं मांग रहे, एक पुष्प ही मांग रहे हैं, कहीं से भी उठा के भगवान को एक पुष्प दिया जा सकता है। फलम तोयम, फल दे दो, अच्छा महंगा फल नहीं दे सकते, तो शबरी ने कौन सा फल दिया था, जंगली फल दिया था, बेर जंगली फल में आता है। और क्या करो, अरे वो भी नहीं दे सकते, जल तो दे सकते हो, पानी तो हर जगह मिलता है। भगवान कह रहे हैं अगर कोई मुझे ये भी देता है तो भगवान तो अपने आप को विक्रीतम, भगवान तुलसी दल जल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, अगर कोई भगवान को केवल तुलसी का दल मात्र और एक छोटा सा हाथ में चुल्लू भर जल भी देता है तो भगवान अपने आप को उसको बेच देते हैं। इतने भगवान इतने करुणामय है, इतने निकट है। तो भगवान जो जीव के सबसे निकट वस्तु है, जो जीव को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, और उस प्रेम का परिचय क्या है, देखो अगर कोई किसी को प्रेम करता है तो परिचय होता है ना कि हाँ मैं प्रेम करता हूँ, पता चलता है। तो भगवान ने हमें प्रेम किया, उसके तीन परिचय हैं, कितने, तीन। सबसे पहला भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, दूसरा हृदय में भगवान के प्रति एक भावना जो हमारे आ रही है, तो ये भावना पहले हमारे हृदय में भगवान के प्रति जाग रही है या पहले भगवान के हृदय में हमारे प्रति जागी, बताओ, पहले भगवान के हृदय में जागी तभी तो हमारे हृदय में जाग रही है। अगर गोविंद जी चाहते हैं कि मेरी मंगल आरती दर्शन करने आए तभी तो आप जाओगे, अगर वो जाएंगे नहीं तो कोई जा सकता है क्या। तो अगर हम लोग आज गोविंद जी के दर्शन करने आ रहे हैं, मदन मोहन जी के दर्शन करने आ रहे हैं, तो हमें किसने बुलाया है, भगवान ने ही हमें बुलाया है। तो ये हो गई भगवान की दूसरी कृपा। और भगवान का सबसे बड़ा कृपा का परिचय क्या है, वो हमारे सामने एक सद्गुरु को भेजते हैं जिसको बोलते हैं भगवान की कृपा मूर्ति। जब भगवान की कृपा एक मूर्ति का रूप धारण करके आती है तो हमारे सामने किस रूप में आती है, एक सद्गुरु और वैष्णव के रूप में आती है। तो ये जो मनुष्य शरीर, जो इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, अभी प्रश्न है
कि इस मनुष्य शरीर से एक तो है हम भगवान को रिझा सकते हैं, और अगर कोई भगवान को कुछ भी देता है तो भगवान रेसिप्रोकेट क्या सेम लेवल में करते हैं या कई गुना अधिक करते हैं, बताओ? अगर किसी ने भगवान को एक मुट्ठी चावल दिया तो भगवान उसको रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे? अपने अधिकार के अनुसार। तो अगर हम लोग भगवान को रिझाते हैं, हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाए कि बस मुझे क्या करना है, भगवान को रिझाना है, भगवान को प्रसन्न करना है। अब सोचो, एक जीव है जो अपने आप को खुद आनंद करने के लिए प्रयास कर रहा है और एक जीव है जो भगवान को आनंदित करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो अगर कोई भगवान को आनंद देगा तो भगवान कितना कोटि गुना देंगे? इतना कोटि गुना देंगे कि ये शरीर उसको धारण ही नहीं कर सकता। इसलिए फिर उसको क्या देते हैं भगवान? अपना सच्चिदानंद दे प्राप्त कराते हैं, जहां पे वो उस आनंद को तो भोग कर पाए। इस शरीर में तो जीव आनंद को भोग ही नहीं कर सकता। हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे किसी व्यक्ति की पता नहीं कितने करोड़ की लॉटरी लगी, उसको देख के उसको हार्ट अटैक आ गया। एक बार एक व्यक्ति मर गया, हॉस्पिटल वालों ने डिक्लेयर कर गया ये मर गया है। अब जैसे ही वो मर गया, उसको लोग लेके जा रहे थे, तो जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने आंख खोल के देखा कि आसपास ये क्या हो रहा है, मैं तो अभी मर गया था, उसने सब कुछ देख रहा था। तो जैसे ही उसकी आंख खुली वापस, उसकी चेतना वापस आई, तो एकदम से उसने देखा नहीं मैं तो जीवित हूँ, लेकिन उसको जैसे ही इतनी खुशी हुई मैं जीवित हूँ, फिर दोबारा मर गया। ये एक बार बार में आया था। तो हम लोग ज्यादा आनंद को भी शरीर सहन कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो मनुष्य शरीर है, हम लोग क्या करते हैं? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में बोलते हैं, आशा पाश शत शत फिरे मन अविरत, मन कबू सिख नहीं पाए। कि हम लोग उस सुख की कामना के लिए इस दो पैर से भागते रहते हैं दिन रात, कि मुझे क्या चाहिए? सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। फिर भगवान दो पैर की जगह बोलते हैं, दो पैर में भाग के सुख नहीं मिला, चार पैर ले लो। फिर चार पैर में भागते रहते हैं कि अब सुख चाहिए, अब सुख चाहिए, अब सुख चाहिए। फिर चार में नहीं मिलता, फिर छह पैर वाला, आठ पैर वाला, सौ सौ पैर वाले भी जंतु होते हैं और भागते रहते हैं कि केवल हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए। पैर नहीं मिलता तो रिंग रिंग के भागेंगे, सांप बन जाएंगे कि मुझे क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो पूरी दुनिया इस सुख के पीछे भाग रही है। और पूर्ण सुख भगवान कृष्ण का शब्द का अर्थ क्या है? कृष्य भूवाचक का शब्द न च निवृत्ति वाचक का। कृष्ण का अर्थ ही है जो क्या करते हैं? अपने ओर आकर्षित करते हैं और आनंद देते हैं। और माया का उल्टा है, माया भी अपनी ओर आकर्षित करती है और क्या देती है? दुख देती है। तो हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक तरफ तो भगवान कृष्ण खड़े हैं बंसी बजाते हुए, एक तरफ अपने हाथ में त्रिशूल लेके कौन खड़ी है? माया खड़ी है। त्रिशूल से वो क्या करेगी? प्रेम करेगी। त्रिशूल से क्या किया जाता है? त्रिशूल से जीवों को तीन प्रकार के दुख दिए जाते हैं। और हम लोग इतने मूर्ख हैं, इतने मूर्ख हैं कि तब भी हम बार बार कहां जाते हैं? उसी ओर जाते हैं। जैसे भागवत में उदाहरण दिया, पतंग वा नश्यति नष्ट दृष्टि। जैसे अग्नि के पास क्या होता है? बहुत सारे पतंग आकर्षित होके आते हैं, और जो पतंग वहां पे आकर्षित होके आते हैं उसी समय क्या होते हैं? अग्नि से भस्म होके मर जाते हैं। तो यही हमारी स्थिति है। बताया हमारी उपमा किससे दी है? एक पतंग के समान, कि हम भी क्या करते हैं? माया की ओर आकृष्ट होते हैं और वहां पे जाते हैं और भस्म होके वापस गिर जाते हैं। फिर अगले जन्म में फिर माया के पास जाते हैं, फिर आकृष्ट होके फिर गिर जाते हैं। इसलिए कई जन्मों के बाद भटकते भटकते, यदि ब्राह्मम ब्राह्मम हरि रस गलत वैष्णव जन्म, कदाचित संपश्यंत अदनुगमने स्यात रुचि रता। भ्रमण करते 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 अगर किसी को सद्गुरु रूपी वैद्य मिल जाए, तब जाके उसको समझ में आता है, अरे भाई मैं तो गलत दिशा में सुख ढूंढ रहा था, वहां तो सुख है ही नहीं। सुख एकमात्र अगर है तो वो कहाँ पे है? भगवान के चरणों में है। और इसको समझना इतना आसान नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मान अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा। अभी महाराज जी बोल रहे थे ना, यहाँ पे सब साधारण लोग नहीं बैठे, कौन बैठे हैं? महात्मा बैठे हैं। तो भगवत गीता में ये भगवान ने बोला। कितने लोग मानते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है? तो देखो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो मानता है कि मैं ही वासुदेव ही सब कुछ हूँ, वो आत्मा नहीं, वो कौन है? वो महात्मा है। तो आप सब लोग कौन हो गए? महात्मा। जो क्योंकि आप लोग क्या मान रहे हो? कि कृष्ण स्वयं भगवान है। एक बारी प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आए, पूरा जीवन मठ मंदिर में रहते हुए सेवा करते हुए उनका पूरा जीवन, जब शेष काल आया उन्होंने बोला कि मैंने तो पूरा जीवन भगवान का भक्ति किया और मेरे को तो कोई अनुभूति ही नहीं हुआ, कुछ भजन की उपलब्धि ही नहीं हुई। तो प्रभुपाद जी बोले, अच्छा ये बताओ, ये मानते हो कृष्ण भगवान है? बोले हाँ बिल्कुल मानता हूँ। बोले उसमें कोई संशय है, कोई डाउट है? नहीं, उसमें कैसा डाउट है, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि कृष्ण ही भगवान है। बोले तुम कह रहे हो कुछ उपलब्धि नहीं हुई, लाखों लाखों मुनि लाखों लाखों साल कितने कितने जन्म निकाल देते हैं और उनको नहीं पता चलता कि कृष्ण स्वयं भगवान है। तो जो तुम यहाँ तक पहुंच गए तो अंतिम सीढ़ी तक तो पहुंच ही चुके हो, बस एक सीढ़ी और बाकी है, यहाँ तक पहुंचना कोई
आसान बात नहीं है। अगर कोई यहाँ तक आ चुका है इसका मतलब भगवान की बहुत बड़ी कृपा ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे देखो पंखे को जब बंद करते हैं, बटन बंद कर दिया, मोमेंटम तो रह जाता है ना, तो केवल क्या रह गया है, केवल मोमेंटम ही बाकी रह जाता है। तो वहां पे जो हमारे शास्त्र इस बात को बोलते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म। लेकिन अभी प्रश्न है कि ये शरीर तो दुर्लभ है, लेकिन हम लोग इसकी दुर्लभता को बार बार भूल जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमें नित्य प्रति हरि कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह बाहर निकलते हैं अपनी आंखों से, अपनी सारी इंद्रियों से, हम सारा का सारा भौतिक ज्ञान के बीच में ही रहते हैं और चारों ओर हमारे यहाँ पे सारा का सारा मटेरियलिस्टिक वस्तु है। लोगों के साथ भी जो बात करते हैं तब भी भौतिक ही आदान प्रदान होता है ज्ञान का, तो उसके अंदर हम लोग अपना स्वरूप धर्म भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक साधक को नित्य प्रति, जैसे देखो हमारे को डॉक्टर बोलता है कि अगर आपने संपूर्ण रूप से कुछ डाइट नहीं ली तो बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, कुछ विटामिन्स कम हो जाते हैं। तो हमारी एक बैलेंस डाइट होती है कि इतना अनाज, इतनी सब्जी, इतना फल आपको रोज खाना ही है शरीर के लिए। उसी प्रकार से आत्मा की भी एक बैलेंस डाइट होती है और वो क्या है, भगवान की नित्य प्रति हरि कथा, भगवान का नाम, भगवान के दर्शन। तो अगर ये आत्मा को नहीं मिलता है तो जिस प्रकार से शरीर क्या होता है, शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है, उसी प्रकार से आत्मा बल जो है वो धीरे धीरे क्षीण होता है, आत्मा क्षीण होती है और वो भजन से फिर च्युत हो जाती है। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है इस शरीर को प्राप्त करने के बाद और हमारे हृदय के अंदर ये भगवान के प्रति जो एक भावना है बनी रहे, उसमें सबसे मुख्य अंग आता है साधु संघ। क्या आता है? साधु संघ। देखो भक्ति में 64 क्रियाएं हैं, 64 की 64 क्रिया में से अगर आप भक्ति की 63 क्रियाएं कर रहे हो और एक क्रिया नहीं कर रहे, कौन सी? साधु संघ, तो उस 63 क्रिया का कोई मूल्य नहीं है। यहां तक कि अगर हरि नाम भी कर रहे हो तो गुरुदेव बोलते थे फिर उस हरि नाम का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता अगर क्या नहीं कर रहे, साधु संघ नहीं कर रहे। और अगर आप भक्ति की बाकी 63 अंकों नहीं पालन कर रहे, केवल एक अंक को आपने अच्छे से कर लिया, कौन सा? साधु संघ, तो साधु संघ के प्रभाव से आपके बाकी के अंग भी अपने आप ही पालन हो जाते हैं। इसलिए देखना यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है, यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग कर, कि अगर कृष्ण नाम करना चाहते हो तो क्या करना? साधु संग करना। इसलिए इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद और ये हृदय के अंदर समझ लेना कि हाँ ये मनुष्य जीवन कितने समय के लिए मिला है, क्षण भंगुर, इसकी कोई गारंटी नहीं है कब चला जाए। इसलिए इस मनुष्य जीवन से केवल एक चीज हम कर सकते हैं, जो हमारे श्रील त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी पुनः पुनः अपनी कथाओं में बोला करते थे, उनका भागवत का बड़ा ही प्रिय श्लोक था, लब्धवा सुदुर्लभम इदम बाहु सांबवंते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि अधीरा तूर्णम यतेत ना पतेत अनुमृत्यु यावन निश्रेसाय विषय खलु सर्वत सयात। महाराज जी श्लोक को पुनः पुनः करके बोलते थे कि देखो जब मेरी इच्छा हो रही थी कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमारी उमा दीदी थी, मैं उमा दीदी के पास गया, मैंने उमा दीदी से पूछा अरे आप तो एक माता हो और आप मठ में रहते हो और आपने सब कुछ छोड़ के स्त्रियों के आप मठ में रह गए, ऐसा क्या आपको प्रेरित किया, कौन आपके एक मोटिवेशनल बने? तो दीदी यही बोलती थी, शिला त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी बार बार इस श्लोक को बोल के बोलते थे कि देखो निश्रेसाय विषय खलु सर्वत सयात, कि इस मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारी आगे की जो गति है जिसमें 84 लाख योनियों में जाना है वो पहले से ही हमारे अकाउंट में पड़ी हुई है। जय श्री राधा मदन मोहन जी की जय। 2 मिनट और लेके फिर आरती करेंगे, अब आरती की तैयारी कर लीजिए। तो महाराज जी बोलते थे कि देखो इस मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद जो आगे 84 लाख योनियों में जाना है वो पहले से ही निर्धारित है, वो हमारे अकाउंट में पहले से ही हमारे जो अप्रारब्ध कर्म है उसमें लिखा हुआ है, और आने वाले जो हमारे अन्य शरीर होंगे उस शरीर में जो हम भोग करेंगे वो भोग भी पहले से ही निर्धारित है। तो भाई देखो इससे पहले भी हमारे जितने जन्म हो चुके उसमें हम कितना भोग ऑलरेडी करके आ चुके हैं। चलो पुराने को और आगे को तो छोड़ो, इस जन्म में ही देख लो, इस जन्म में कम से कम एक ट्रक दूध तो पी चुके होगे, नहीं? ठीक है, जो माता है गुजरी बैठी, हाँ हाँ 2-3 पी चुके होंगे। कितना ट्रक हम घी खा चुके होंगे, कितने मिठाइयां खा चुके होंगे, और अभी भी सामने गुलाब जामुन आ जाए तो क्या होता है, एकदम से जीभ होने लग जाती है। कितनी दाल खा चुके होंगे, आज प्रभु जी मेरे लिए दाल बाटी लेके आए, दाल को देख के एकदम फिर पानी आ गया, कल ही खाई थी फिर भी। तो हम इतना भोग करने के बाद भी खुद सोचो आज तक संतुष्ट हुए हैं? भोग करने से कभी भी कोई जीव संतुष्ट होता ही नहीं है, अनल है बढ़ाए अनल। तो महाराज जी बोलते थे कि देखो कितने जन्मों में कितना भोग करके आ चुके हो और आगे भी करोगे,
लेकिन ये जो जीवन मिला है इसको रिजर्व कर दो केवल किस लिए, भगवान की सेवा के लिए। रात को रोटी बनाते हैं सुबह तक खराब हो जाती है, रात को सब्जी बनाते हैं सुबह तक खराब हो जाती है, फ्रिज में रखोगे दो दिन बाद खराब हो जाएगी। तो सोचो जो रोटी सब्जी बनाते हैं उसका ही नहीं पता दो तीन दिन बाद खराब हो जाती है तो मनुष्य शरीर कब तक चलेगा, इसका क्या गारंटी है? इसलिए इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जिस भगवान ने जब मनुष्य शरीर दिया, हर चीज के साथ एक गारंटी कार्ड मिलता है ना, तो भगवान ने जब मनुष्य शरीर दिया तो बोल के दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जिस चीज के लेके जा रहे हो इसको अभी से ही उस सेवा में लगा दो। किस सेवा में? मुकुंद एव सेवनम। क्योंकि अगर हमने इसको भगवान की सेवा में लगा दिया तब तो सार्थकता है, नहीं तो भगवान बोलेंगे ठीक है भैया मनुष्य शरीर दिया था सेवा में तो लगाया नहीं, क्या करना था? भोगी करना था तो क्या करो, पशु का शरीर ले लो। क्योंकि पशु का शरीर जो है इंसान से कई गुना अधिक ज्यादा भोग कर सकता है। मनुष्य शरीर में भोग की इतनी क्षमता नहीं है लेकिन पशु शरीर मनुष्य शरीर से कई गुना भोग कर सकता है। क्या किसी पशु को डायबिटीज होती है? सुना है हाथी को डायबिटीज हो गई, बहुत खाना खा रहा था हार्ट अटैक आ गया। किसी पशु को हार्ट अटैक आते हैं? उनको नहीं आते, क्योंकि वो शरीर बना ही किस लिए है? भोग के लिए बना है। अभी कोरोना हुआ था, पशुओं को कोरोना हुआ था? इंसानी को हुआ था। तो भगवान ने मनुष्य शरीर केवल किस लिए बनाया है? भगवान ने बनाया है मुकुंद एव सेवनम। तो ये शरीर हमारा नहीं है, भगवान ने हमें दिया है किस लिए? अपनी सेवा के लिए। जैसे मैंने आपको 10 रुपए दिए, ये लो 10 रुपए गोविंद देव जी मंदिर जा रहे हो जाके चढ़ा देना। अब आपने उसको नहीं चढ़ा के खुद खर्च कर लिया, बताओ दोष लगेगा नहीं लगेगा? तो उसी प्रकार से जो लोग भी भगवान का भजन नहीं करते, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो सब लोग आत्मघाती हैं। वो सब लोग कौन है? सब आत्मघाती हैं, सब दोषी हैं। तो इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। छोटी सी 2-3 अनाउंसमेंट्स है। कल राजा पार्क में प्रोग्राम होगा, वहाँ पे कम्युनिटी हॉल है, और शाम को 6 बजे से लेके 4 बजे, ठीक है इंडियन टाइम 4 बजे, बाकी आप समझ लेना। तो वहाँ पे 4 बजे का प्रोग्राम है, ये 4 बजे हमारे लोग भी नहीं पहुँचेंगे, आप लोग पहुँच के हमें फोन करोगे, इसलिए 5 बजे आप लोग पहुँच जाना। 5 बजे का प्रोग्राम है, ठीक है। और राजा पार्क में जहाँ पे प्रोग्राम है उसकी लोकेशन आप भक्तों से फोन पे ले सकते हैं। परसों निर्माण नगर में प्रोग्राम है शाम को, और उसके बाद फिर जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी में गौर सुंदर प्रभु जी हैं हमारे साथ, और श्यामानंद प्रभु जी हैं नोएडा से, ये सब लोग जन्माष्टमी में यहाँ पे आएंगे। जन्माष्टमी में भी 5 दिन की कथा होगी, और वहाँ पे 5 दिन की जो जन्माष्टमी में 5 दिन की कथा होगी उसका विषय रहेगा, जो अभी हमारा आगे का रह गया, भगवान की वेणु माधुरी, भगवान की रूप माधुरी, भगवान की लीला माधुरी और भगवान की प्रेम माधुरी। उसमें हम जानेंगे कि भगवान कैसा प्रेम करते हैं, कैसी कैसी सुंदर लीलाएं करते हैं। दशम स्कंध, भगवान का जन्म से लेकर के अच्छी रहेगी, ठीक है भगवान। और और ये कहे जो गुरुदेव का जो रूप गोस्वामी का तिथि आ रही है ना जुलाई, और गुरु जी का सबसे ज्यादा प्रिय था, क्योंकि रूप गोस्वामी का त्रिभाव है, बड़े बड़े विद्वान लोग आ करके रूप गोस्वामी का विचार वैशिष्टता पर बहुत अच्छे थे, हरी कथा केवल एक विषय पर होती थी। इसलिए गुरुदेव दूसरे में किसको बुलाए नहीं बुलाए, लेकिन गुरुदेव उसमें जरूर बुलाए करते थे। इसलिए आप सबको आना, हर साल तक 5 दिन ही होता है, इस बार 4 दिन, 4 दिन नहीं तो 3 दिन के लिए आओ, ठीक है? झूला का दिन, रूप गोस्वामी का तिथि, और उसका दूसरे दिन, ठीक है? 3 दिन कम से कम आओ, ठीक है? अगर 4 दिन आ सकते तो बहुत बढ़िया, 5 दिन आ सकते और बढ़िया है, ठीक है? इसलिए सबके साथ चलो झूला में 15 तारीख को आ जाना, 15 तारीख 16 तारीख से नहीं आ सकते तो ऑनलाइन देख लेना, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन देख। हम सवेरे सवेरे 16 तारीख को फिर वृंदावन धाम का परिक्रमा करते हैं, ठीक है? आप लोगों का स्वागत है आप सबके साथ, ठीक है? और क्या और कुछ बोलना? आरती, हाँ अभी आरती होगी, उसके बाद में सब प्रसाद लेकर मिल जाना, अब खड़े हो जाओ, अभी ठाकुर जी की आरती होगी। ठाकुर राहुल बोलो गांव घोड़ा छोड़ा
Hare Shankar Baje, 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 Hare
बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे संता बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे